हेलो हाय हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेल्कम टू IFS फिजिक्स। माई सेल्फ प्रशांत गुप्ता और हम आ गए हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे हमारे प्यारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम की, जिससे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इस सेशंस के बाद कभी भी आपके वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले, उन क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। रोज रात को 9 बजे होता है हमारा सेशन। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, उसके 9th लेक्चर पर आ चुके हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार देख लेंगे हमारे कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं क्या। स्टार्ट करते हैं शुरू से। हेलो एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग सबा, सिद्धांत, इश्त, कुणाल, कोमल, ओके एवरीवन इज हेयर, नेहा इज हेयर, बालक्ष्मी इज हेयर, दिव्या इज हेयर, वेरी गुड इवनिंग, अमित इज हेयर, संगप्रिया इज हेयर, मोनी इज हेयर, शीतल इज हेयर, संगीता वेरी गुड इवनिंग, हेलो विक्रम इज हेयर, धनजीत इज हेयर, एडू प्रेप नाम, यादवेंद्र इज हेयर, मिताली, सुमन, कुणाल, सुनील, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आयुष। एक बार इस लिंक को जरा घुमाओ, क्योंकि मैंने तुमको बोला था ओपैम कराने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजे से करेंगे। एक बार इस लिंक को घुमाओ और ये नंबर बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग सुनील, आयुब, शुभांकर, वेरी गुड इवनिंग शिवांगी, पूजा, कृति इज हेयर, देवेंद्र इज हेयर, निकिता इज हेयर, दीप्ति, अखिलेश। कुछ हमारे कॉन्स्टेंट आ चुके हैं और कुछ शायद सो रहे हैं, आने की तैयारी में है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं ताकि सब लोग जुड़ जाएं। एक बार जो इस वीडियो को देख रहे हो, शेयर कर दो अभी के अभी। वो पैम पढ़ने वाले हैं, बहुत मजे से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से बेस बना के पढ़ेंगे, सो दैट अगर किसी को आज तक एक भी बार वो पैम नहीं आता तो उसको आ जाएगा। KCL केवल की अगर तुमने मेरी क्लास देख रखी है तो वो पैम आ जाएगा। वेरी गुड इवनिंग रोहित, वेरी गुड इवनिंग राहुल, एडू प्रैप, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें क्या सेशन, जल्दी से बताओ, एक बार सब लोग मिलके स्टार्ट करें या नहीं। यस लिख दो सेशन स्टार्ट करने हैं। आ जाएगी सुलगना भी यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाएंगे। अभी बहुत लोग हैं हमारे जो रहते हैं आने, हम लोग थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट करते हैं, तब तक जब तक सेशन स्टार्ट करने पर आएंगे वो लोग आ जाएंगे। एक बार जल्दी से यस लिख दो, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करें क्या।
एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए सब लोग, फुल फुल एक्साइटमेंट। हाँ जी, फुल एक्साइटमेंट, एक बार जल्दी से लिख दो। स्टार्ट करें क्या? दिव्या इज हियर, आगे कौशिक इज हियर, पूजा इज ऑल्सो हियर। चलो स्टार्ट करें, बढ़ते हैं आगे, जल्दी बताओ। और एक बार लिंक घुमा दो भाई, लिंक घुमा दो। तुम्हें पता है मैं इतने कम नंबर पे नहीं पढ़ाऊंगा, अच्छा नंबर होगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि माई एनर्जी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट, और तुम बहुत ज्यादा कर दोगे तो बहुत मजे से पढ़ेंगे। चलो कुछ बातें कर लेते हैं, तब तक बाकी लोगों को आने देते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ, सब लोग ऑनलाइन थोड़ी बैठे होंगे, आने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, 1 मई को रात को 8 बजे हम स्ट्रीम करने वाले हैं मेगा मेंटी क्विज। जो भी मैंने तो पूरे 2 हफ्ते में तुमको पढ़ाया होगा वो सिलेबस होगा उस चीज का। और मेगा मेंटी क्विज के विनर को क्या मिलने वाला है? फ्री कोर्स। ये कोर्स तुम्हें सीएसआई नेट का चाहिए, आईआईटी जेम का चाहिए, तुम्हें गेट का चाहिए, यूपीएचएससी का चाहिए, एमएस सेट का चाहिए, जो भी कोर्स तुम्हें चाहिए जो आईएफएस प्रोवाइड करता है, पूरे का पूरा पेड कोर्स आपको फ्री दिया जाएगा। ओके, हेलो श्रेया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ममता। फर्स्ट रैंक वाले को फ्री, सेकंड वाले को 50%, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को 25%। डिस्क्रिप्शन में स्ट्रीम की लिंक है, जाइए लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, प्राइस पूल दिखाई दे रहा है ना, कितना? 30,000। मतलब इतना पैसा नहीं मिलेगा, इतने पैसे के आपको कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद आईटी जेम का ये सेशन जो हमारा 2 मई को है, रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे बोलना ज्यादा सही रहेगा, शाम को 5 बजे, जिसमें हम प्लानिंग आपको बताने वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसे यू कैन टारगेट आईटी जेम फिजिक्स 2022, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आगे वाले हफ्तों में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने चाहिए, ठीक है क्या? ओके ठीक है जी, ओके समझ लिया मैंने, हेलो श्रेया। चलो, और कुछ तुम देखो मत देखो, आईआईटी जेएम के हर एस्पायरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आईएफएस लेके आया है ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यू गाइस, जिसमें आप जीत सकते हैं पूरे का पूरा कोर्स फ्री। टॉप 5 विल गेट द टोटल आईआईटी जेएम टारगेट 2020 कोर्स फॉर फ्री, नेक्स्ट 5 विल गेट 50% डिस्काउंट, एंड नेक्स्ट 10 पीपल विल गेट मॉक टेस्ट, ठीक है? कब देना है यहां थोड़ा सा छुप गया है, 2 मई को 6 AM to 6 PM 12 घंटे के लिए IFS की वेबसाइट पर ये टेस्ट लाइव होगा, आप जाकर देख। भाई 2 मिनट रुक जाओ बस, और लोगों को आने दो। ये चीजें मैंने इसलिए लगाई है कि थोड़ी देर बात हो जाती है, आप लोगों को कोर्सेज के बारे में पता चल जाता है, इतने में बाकी लोग आ जाते हैं, अपने को एक अच्छा नंबर मिल जाता है, फिर हम पढ़ेंगे मजे से। तुम टेंशन मत लो, पढ़ाई की टेंशन नहीं लो, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता दूं, आईटी जेम का, सीएसआई नेट का टारगेट बैच जो क्रैश कोर्स है वो, गेट का, गेट प्लस सीएसआई नेट, ये सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं 3 मई को। तो 3 मई वो डेट है जिसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है क्या? हेलो सुलग्ना इज हियर, लो भाई सुलग्ना आ गई, ठीक है क्या? चलो, और एक छोटी सी डिस्काउंट ऑफर्स फॉर दो स्टूडेंट जो बीएससी में है, क्या करना है? 75% आपको डिस्काउंट मिलेगा आईटी जेम के कोर्स पर अगर आपके मार्क्स बीएससी में 75% से ज्यादा है, 80% से ज्यादा 20%, 85% से ज्यादा 30%, 90% से ज्यादा 40%। सो इट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन गेट ऑन आईटी जेम कोर्स। अरे ऐसे मत करो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, और दिस इज द थिंग दैट यू कैन गेट। मतलब क्या? एडमिशन कराओ, रैंक लेके आओ, पैसा वापस लेके जाओ। एडमिशन कराओ, रैंक लेके आओ, पैसा वापस लेके जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट में यू कैन इफेक्टिवली, फ्री ऑफ कॉस्ट में यू कैन गेट योर आईआईटी ड्रीम टू बी रियलिटी। सुन के बहुत बुरा लगा मोनी। फिजिकल साइंस का बैच 3 मई, टारगेट बैच 3 मई, गेट फिजिक्स का बैच 3 मई, गेट फिजिक्स और सीएसआई नेट का बैच 3 मई, टेस्ट सीरीज। अगर किसी को क्वेश्चंस में दिक्कत होती है वो हमारी लाइव है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट वाइज चीज़ें अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, अगर आपको किसी एक यूनिट में दिक्कत है, कोई एक यूनिट आपकी ख़राब है, अगर वो चाहते हैं कि आप सही हो जाए। यस बिल्कुल मिलेगा अंशुमन, अंशुमत, ओके। अभी जीएसटी को नोटिफिकेशन नहीं आई है, जैसे ही हिमांशु नोटिफिकेशन आएगी विल लेट यू नो। तो जिन लोगों को भी नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग कोई चीज़ है बेल आइकन दबा देना, सो दैट जब हम कोई वीडियो लेके आते हैं जो कि प्लैंड नहीं होती, समथिंग नोटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग, तो वो आपके तक जल्दी पहुंच जाए। यार दिन ना बहुत खराब चल रहे हैं,
ठीक है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दुनिया में ना दिन बहुत खराब चल रहे हैं, और कुछ करो मत करो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी मत करो, अपना ख्याल रखो, इससे ऊपर जिंदगी में कुछ नहीं। क्या करोगे पढ़ लिख के अगर खुद ही अच्छी हेल्थ के साथ अगर नहीं जी पा रहे तो? ओके, अगर अच्छी हेल्थ के साथ हो तो पढ़ भी लो, अच्छी हेल्थ के क्या करोगे जब पैसे नहीं कमाओगे तो? आ जाओ, चलो थोड़ा सा लाइट करते हैं मूड को, थोड़ा सा दिमाग में चली गई चीजें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मूड लाइट करते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं क्या ओपैम। एक बार जल्दी से एनर्जी दिखा दो मुझे कि भाई ओपैम स्टार्ट करें क्या, जल्दी से बताओ ओपैम स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ सब लोग एक बार ओपैम स्टार्ट करें क्या? यस 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 कर दो, घुमा दो एकदम, भर जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए कि मुझे किसी का नाम ही ना दिखे, इतनी चेयर्स आनी चाहिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या? जल्दी से कम ऑन, और ये नंबर जरा आगे बढ़ाओ, जितने भी लोग लाइव अभी देख रहे हो स्ट्रीम लाइक कर दो, और अगर कहीं शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कहीं कर सकते हो तो कर दो, एक सेकंड से ऊपर तो लगेगा नहीं, कर दो यार, ज्यादा लोग आ जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे हम, ठीक है? एक बार जल्दी से कर दो सब लोग, जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस हाउ इज द जोश। चलो ओपैम की बात करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन ओपैम। अगर ओपैम को मैं ब्रॉडली समझने की कोशिश करूं तो जिस तरह के अपने क्वेश्चन आते हैं उस तरह से समझते हैं। ओपैम की दो कॉन्फ़िगरेशन है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है? सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज योर ओपन लूप। अभी ओपन लूप क्या है, इससे क्या लेना देना, ये सब बातें समझ लेंगे, पहले बस नाम सुन लेते हैं। अगर बहुत लोगों ने नहीं सुन रखा तो सुन लो, जिनने सुन रखा है थोड़ा धैर्य रखो, आगे तुम्हारे काम की भी चीज आएगी। एंड सेकेंड इज वॉट, क्लोज्ड लूप। अगर मैं आपसे पूछूं ओपन लूप का मतलब क्या है, मतलब मेरे ओपैम में आपके पास क्या होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है, डायग्राम कैसा होता है भी देख लेंगे, आपके पास इनपुट होंगे और आउटपुट होंगे। अगर आउटपुट का कोई लेना देना नहीं है इनपुट से, या फिर मैं कह दूं आप किसी भी तरह से इनपुट से कोई सिग्नल उठा के, आउटपुट से कोई सिग्नल उठा के दोबारा इनपुट में नहीं डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन लूप। मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट में ऊपर लिख दूं कि नो फीडबैक, तो क्या ये कहना सही हो जाएगा कि इसके अंदर कोई भी फीडबैक नहीं दिया जाता। फीडबैक मतलब क्या, जब भी आप आउटपुट से कोई सिग्नल उठा के दोबारा इनपुट में फीड करते हो तो उसको हम बोलते हैं फीडिंग बैक, ठीक है? इतनी सी बात है, ठीक है? तो ओपन लूप का क्या मतलब कि ये फीडबैक नहीं लेता, और फीडबैक नहीं लेता तो इस तरह के जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं दे वर्क एज कंपैरेटर। कंपैरेटर बोले तो क्या, कंपैरेटर बोले तो क्या, वो क्या करेगा, जो आपकी इनपुट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करेगा और उस कंपैरिजन के बेस पर आपको आउटपुट देगा। अभी इन सब बातों से क्या लेना देना है सेशन में बने रहो, पूरा करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? हेलो स्पाइस हियर, सब लोग आ चुके हैं। चलो क्लोज लूप की बात करें। अच्छा, क्लोज लूप का मतलब क्या है कि जब आप यहां कह रहे थे कि नो फीडबैक, मतलब आउटपुट से कोई भी सिग्नल उठा के इनपुट में नहीं फीड करा जा रहा, क्लोज लूप में वो फीडिंग होती है, तो क्या बोल सकते हैं, फीडबैक इज मस्ट, मतलब आपको फीडबैक करना ही पड़ेगा। अब वो पॉजिटिव टर्मिनल पे करो, नेगेटिव टर्मिनल पे करो, वो मर्जी है, उसके हिसाब से अब चीजें इसको और सेग्रीगेट कर देते हैं। अब क्लोज लूप को दोबारा से दो कैटेगरी में मैं बांट सकता हूं, हल्का हल्का चलेंगे, ठीक है? क्योंकि हर बार तुम बोलते हो कि मेरी स्पीड ज्यादा है, तो इस बार हल्का हल्का चलेंगे, सबको समझा के चलना है, क्योंकि ओपैम से शर्त लगा लो क्वेश्चन आएगा, और शर्त लगा लो तुमने सेशन देखा है तो तुम्हारा सही भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। एक बार जल्दी से ये नंबर और बढ़ा दो, ये नंबर इसका डबल से मैंने स्टार्ट करी थी सीरीज, अगर ओपैम पर डबल नहीं होगा तो कभी डबल नहीं होगा, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ओपैम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोज लूप पे आते हैं। अब क्लोज लूप में अगर आपने फीडबैक विच इज अ मस्ट कंडीशन, अगर वो आपने करा पॉजिटिव टर्मिनल पे, या फिर मैं बोल दूं पॉजिटिव फीडबैक, या फिर आपने करा नेगेटिव फीडबैक, अब ये टर्मिनल्स का क्या लेना देना है थोड़ी देर में समझेंगे, थोड़ी थोड़ी शांति बना के रखें, ठीक है? तो एक है आपके पास पॉजिटिव फीडबैक, इसको भी हिंदी में लिखते हैं या इसको हटा देते हैं इसको,
और एक है आपके पास नेगेटिव फीडबैक। जब आप सर्किट्स में नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो आपको जो सर्किट मिलता है वो मिलता है एम्पलीफाइंग सर्किट, या हम बोल सकते हैं हमें मिलते हैं एम्पलीफायर्स। ठीक है, जब भी आप नेगेटिव फीडबैक देंगे जो सर्किट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे क्या, नेगेटिव एम्पलीफायर्स। और जब आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलते हैं ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटिंग सर्किट्स मिलते हैं जिनका आउटपुट क्या होगा, एक ऑसिलेटिंग सिग्नल होगा, या जिसको हम बोलते हैं फंक्शन या वेव जनरेटर। इसको क्या मिलेगा आपको, ऑसिलेटर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोला जाता है क्या, वेव फंक्शन जनरेटर। जब भी आप अभी तक सारे सर्किट्स में एसी या एसी सिग्नल जो दे रहे थे कि ट्राइंगुलर वेव दे दो, साइन वेव दे दो, तो वो साइन वेव, ट्राइंगुलर वेव, स्क्वायर वेव जनरेट कौन करता है, वो वेव जनरेट करता है आपका ओप एम। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं। यस, डिपेंड करता है कि फीडबैक किसका दिया जा रहा है, करंट का या वोल्टेज का, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और उसके हिसाब से आपकी चार कैटेगरीज बनती हैं, सीरीज करंट, शंट करंट, सीरीज वोल्टेज, शंट वोल्टेज। ठीक है, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एक एक करके हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल की क्लासिफिकेशन किस तरह से है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बीच में हम पढ़ते हैं ओपन लूप से, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, ओपन लूप। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले ले कि भाई ओपन है क्या वाला, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ओपन का अगर आप पिन डायग्राम देखो और ब्लॉक डायग्राम देखो, दो चीजें होती हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले देखते हैं क्या, पिन डायग्राम। ठीक है, पिन डायग्राम अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको ओपन दिखाई देता है, हमेशा इसको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ये इसके दो टर्मिनल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इनपुट टर्मिनल्स, और ये है आपके आउटपुट टर्मिनल। ये जो दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, दीज आर वो पावर सप्लाई जिससे ये आपका ओपन काम करेगा। अब देखो, इन चीजों को मिक्स मत करना, इस ये पावर सप्लाई जिससे आपका ओपन ऑन हुआ। ठीक है, ओपन को काम करने के लिए जो पावर चाहिए, और ये है आपका इनपुट जो आप ओपन को दे रहे हो। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, तो ये आता है प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी। अब तक जो भी आपने सर्किट पढ़े थे वो कैसे सर्किट थे, वन सिंगल स्टेज आपको चाहिए थी, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसा आप एक कांस्टेंट सप्लाई देते थे अब तक सारे सर्किट्स को। ओपैम को क्या चाहिए, ओपैम को डबल इनपुट चाहिए, उसको प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी दोनों चाहिए। ठीक है, वी सैचुरेशन क्या होता है अभी समझ लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट टेंशन नहीं लो, सब करेंगे। ठीक है, अच्छा, सैचुरेशन कब आता है, किस कंडीशन में आता है, उन सारी चीजों की बात करी जाएगी। एक बार नंबर बढ़ा दो बस, क्योंकि मुझे मजा आएगा तब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इधर आओ। अच्छा, इसके कुछ पिन डायग्राम भी हमने बोला था ना, एक समझ लेते। एक तो आपको ऐसे दिखता है, ठीक है, और एक और तरीका है इसी चीज को समझने का। अरे भाई, ये क्या हो गया, एक और तरीका इसी चीज को समझने का क्या है, कुछ इस तरह से आपको डायग्राम दे। अगर आपने कभी गलती से, आप लैब में चले गए और आपने कभी ओपैम का कुछ एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो आपको एक आईसी दी जाती है ना, उस आईसी का नाम क्या होता है, 741 आईसी, है ना। और उस आईसी में या तो यहां पर एक ऐसे बना होगा, या फिर यहां पर ऐसे एक डॉट बना होगा, नॉच, इसको हम नॉच बोलते हैं। क्यों बना होता है, पहचानोगे कहां से, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है। दिस इज द पिन डायग्राम फॉर योर ओपैम आईसी। ठीक है क्या, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आप यहां से नॉच के इस वाली साइड से। ये आपकी चार पिन है और ये है इनके पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 741 कहने का क्या मतलब है, 741 इस तरह से बोला जाता है कि 7 पर आपने दिया है प्लस वीसीसी, 4 पर दिया है आपने माइनस वीसीसी, और 1 क्यों है भगवान जाने। 2 आपका होता है नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इनपुट टर्मिनल बोलते हैं इसको। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड वाले पिन को क्या बोलते हैं, जब भी आपने कोई इनपुट सेकंड पिन पर दिया है, यानी उसको आपने कहां दिया है, नेगेटिव इनपुट टर्मिनल पे।
या फिर इसको बोला जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्यों बोला जाता है अभी आपको समझ आ जाएगा। इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और जो थर्ड है दैट इज योर नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ठीक है, सिक्स पर आपका आता है आउटपुट, और बाकी सारे क्या, ये आपका होता है नॉट कनेक्टेड, इसको जोड़ते ही नहीं है, पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो। और ये होते हैं नल ऑफसेट। अभी ऑफसेट क्या होता है इसको भी समझ लेंगे, डोंट वरी। ये क्या होता है, नल ऑफसेट। तो इस तरह का होता है आपका पिन डायग्राम। अगर इस पिन डायग्राम को आपको वहां ले जाएं तो क्या मिलेगा, सिक्स पर आपको आउटपुट मिलना चाहिए था, इसको सिक्स बोलेंगे। पॉजिटिव कहां जाना चाहिए था, सेवन पर, तो इसको सेवन। ये है आपका फोर। अगर ये नेगेटिव है तो ये है पिन नंबर टू, और ये पॉजिटिव है तो ये पिन नंबर थ्री। ठीक है, ऑल गुड, यहां तक सब सही है, बहुत बढ़िया बात है। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं क्योंकि बाकी चीजें भी तो आनी है। आई गेस आपको दिख जाएगा, मतलब पीडीएफ में तो आपको सही से दिख ही जाएगा, यहां शायद ना दिखे क्योंकि थोड़ा सा वो पट्टी भी चलता रहता ना नीचे, लेकिन ठीक है, दिख जाएगा। हाँ, तो ये तो क्या हो गया इसका, ये तो हो गया इसका पिन डायग्राम। अब एक छोटी सी चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, उसको और देख लें एक बार। जो चीज दुनिया में कहीं नहीं है तुम उसी के बारे में जानना है, डिटेल में स्टडी करेंगे लेकिन अभी इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमको ओपीएम के बारे में बहुत सारी चीजें करनी है। ओपीएम एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो टॉपिक से नहीं भटकते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या आता है, एक और आता है आपका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम आपको क्या बताता है कि ब्लॉक डायग्राम आपको बताता है कि ये जो कहानी बुनी जा रही है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बनी, किस तरह से आपका इनपुट आउटपुट में चेंज होता है, स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक्स में चेंज करता है। नहीं, एट ग्राउंड नहीं होता, क्या बात कर रहे हो आप। पॉजिटिव नेगेटिव ही तो देते हैं, प्लस वी सैचुरेशन वी माइनस वी सैचुरेशन ही तो देते हैं, ग्राउंड नहीं होता आई गेस, ऐसे कैसे, इट इज नॉट कनेक्टेड ना, क्या कर रहे हो भाई। या मुझे कुछ खास, मुझे कुछ गलत याद आ रहा है क्या, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है ऐसा ही होता था। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम पे आ जाए क्या, देखो ब्लॉक डायग्राम क्या करता है, आ जाए क्या एक बार, आ जाओ। ब्लॉक डायग्राम में आपके पास कुछ इस तरह से, इस तरह से आपके पास ब्लॉक्स होते हैं। अब इन ब्लॉक्स का काम क्या है, पूछने बैठ गए तो पूरी रात निकल जाएगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक बार किसी एग्जाम में ये आ रखा है, इसलिए कि नोट्स कंप्लीट लगे मैं करा देता हूँ। ठीक है, कि ऐसा ना हो जाए कि सर कुछ छूट गया था और आपने कराया नहीं था, आपकी नोट्स देखे उसमें से यही आ गया, हमें पता ही नहीं था। इसको बोलते हैं हम इनपुट स्टेज, क्या बोलते हैं, इनपुट स्टेज। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, सेकेंड वाला जो है That is called intermediate stage. जो थर्ड वाला होता है, this is called your level shifting. Level shifting. And fourth वाले को आप बोलते हो power amplifier. Basically ये आपको output देता है, इसको output stage भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे, दो input डालेंगे, ठीक है, फिर ये आपको output मिल गया, यहां से सिंगल आउटपुट चालू होता है और यहां पे आपको मिलेगा फाइनल आउटपुट। ठीक है, इस तरह से कहानी होती है, पहले इनपुट स्टेज, फिर इंटरमीडिएट स्टेज, फिर लेवल शिफ्ट, फिर आउटपुट स्टेज। ठीक है क्या, हां जी, ऑफसेट पढ़ेंगे ना अभी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं ओ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, एंड गेट ऐसा थोड़ी होता है, एंड गेट तो ऐसा होता है ना। अच्छा, आईसी का डायग्राम क्या भैया, आईसी बहुत अलग होती है, ऐसे मत करो। दुनिया इसके अंदर क्या, बेसिकली आप कोई भी आईसी उठा के देख लो जिंदगी में, या तो 16 पिन की होती है, 32 पिन की होती है, 8 पिन की होती है ना, आपको तो बाहर से पिन नंबर ही दिखेंगे और तो कुछ नहीं दिखने वाला। और एंड गेट की आईसी यार 16 पिन की होती थी, 8 के उसके अंदर 3 एंड गेट होते ना, अगर आप 2 इनपुट वाले की बात कर रहे हो, अगर 3 इनपुट वाले की बात कर रहे हो तो और दूसरी आईसी आती थी, डिपेंड करता किसकी बात कर रहे हो। ठीक है क्या,
हाँ जी, तो इस तरह से आपका ये हो गया ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक जो मेन चीज की, दैट इज योर आइडियल ओपैम, ठीक है। आइडियल ओपैम क्या है? आइडियल ओपैम की कुछ कंडीशन है जिनसे रिलेटेड बात है, या फिर जो चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर श्योर। पहली चीज बहुत अच्छे से समझो, आइडियल ओपैम का एक बार ग्राफ बना लूं, यहां पर एक वो बना लूं क्या, आइडियल ओपैम में हो क्या रहा है, आपके पास दो इनपुट्स थे, ठीक है, एक भेजा आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और एक भेजा आपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इन दोनों इनपुट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जिसको आप बोलते हो इनपुट रेजिस्टेंस, जेड आई एन, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस। यहां से आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट से पहले यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं जेड ओ या फिर आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको मिलता है गेन ए डी ओ, और इसको आप करते हो ग्राउंड, और ये आपका है प्लस वी सी सी और ये है माइनस वी सी सी। कुछ लोग इसको माइनस वी ई भी लिखते हैं कुछ बुक में, तो देख लेना जैसे भी आपको सही लगे। हाँ जी, सही है, यहां तक सब कुछ सेट है। अच्छा, अब कंडीशंस क्या होती है, कंडीशंस जिसको जितनी पता है एक बार जल्दी से लिखना चालू करो, जिसको जितनी भी पता है सारी लिखनी चालू करो, हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है जेड इन, वो आप इंफिनिटी होना चाहिए, आइडियल में इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए। अच्छा जी, सेकंड केस की क्या बात करते हैं कि जो आपका वोल्टेज गेन है, ओपन लूप गेन, यानी आपने कुछ कनेक्ट नहीं करा, आपने सिर्फ यहां इनपुट दी और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब कितना, इंफिनिटी। तो मैं क्या बोल दूं, ओपन लूप गेन ए वी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। लेकिन एक बात बताओ, आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनपुट दे रहे हो, क्या उससे आपको इनफाइनाइट आउटपुट मिल सकता है? वो तो पॉसिबल नहीं है, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन नाम की कोई चीज है दुनिया में या नहीं है? है फॉर श्योर। तो यार फॉर श्योर जब भी ओपन लूप गेन की बात करी जाएगी तो आउटपुट आपको इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, आउटपुट एक वैल्यू पर जाकर सैचुरेट हो जाएगा, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड वी सैचुरेशन या वोल्टेज सैचुरेशन, और वो इक्वल होती है आपकी अप्लाइड इनपुट या वी सी सी के इक्वल, ठीक है। जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि वी सेट क्या होता है, तो जब आपका ओपन लूप गेन की बात चल रही है तो ओपन लूप गेन का इन्फिनिटी है वो तो आइडियली, लेकिन इन्फिनिटी पे जा तो सकते नहीं हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, छोटी वैल्यू ऑफ इनपुट देके इनफाइनाइट पोटेंशियल कैसे पालोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आप पहुंच सकते हो दैट इज वीसीसी, जो आपने अप्लाई करी है आपने सिग्नल अपने आईसी को, ठीक है, ऑल डन। हाँ, तो ओपन लूप गेन एवी इज इक्वल टू इनपुट इन्फिनिटी। अच्छा, एक और कंडीशन क्या होती है, इसको वैसे ऊपर लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्णता के ऑर्डर में इसको लिखा जाए तो ज्यादा बैठा है। हाँ, अब ठीक है ना, हाँ, नंबर वन ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, नंबर टू जेड इनपुट इन्फिनिटी, नंबर थ्री क्या है, जो आउटपुट को आपको रेजिस्टेंस दे रहे हो ना, वो आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो कर दो, तो हम बोलेंगे जेड जीरो या फिर ओ बोलते हैं इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब आउटपुट पे आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, आउटपुट कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देता। हाँ जी, अच्छा, यहां पर वोल्टेज लिखना जरूरी है क्या? ओपन लूप वोल्टेज गेन लिख देते हैं, वैसे मैंने ए भी लिखा हुआ है तो आई गेस नहीं, फिर भी लिख देते हैं ओपन लूप वोल्टेज के, ठीक है। नंबर फोर की अगर मैं बात करूं, देखो कोई भी ओपैम होगा तो ओपैम जब आपने कोई सिग्नल दिया है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी कोई फ्रीक्वेंसी रही होगी, तो आइडियली ओपैम कैसा होना चाहिए कि वो सारी फ्रीक्वेंसी रेंज पर आराम से काम करे, कोई दिक्कत ना आए उसे, तो क्या बोलेंगे कि बैंडविथ। बैंडविथ क्या है? बैंडविथ वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें आपका ओपैम काम करता है, तो हम बोलेंगे कि बैंडविथ जो है वो इन्फिनिटी हो जानी चाहिए। मतलब जीरो से लेकर कितना भी, कितना ही भयंकर आप फ्रीक्वेंसी दे दो इनपुट में, आपको आउटपुट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उस चीज में, क्या ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंडविथ डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, इन्फिनिटी। अब एक और बात आती है, क्या कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है, ये सब आराम से पढ़ेंगे, क्या
कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है, ये सब आराम से पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे, तो कोई भी घबराए नहीं और आगे तो बिल्कुल ही ना भागे। ये होना चाहिए जीरो, ठीक है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, सॉरी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या कर रहे हो सर, ये आपका इन्फिनिटी होना चाहिए। और एक चीज होती है आपकी स्लू रेट, ठीक है, ये मेन चीजें हैं आपकी, वो भी आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्लू रेट क्या होता है, हम बात करेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं या जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी भी चीजें होती हैं कि ऑफसेट वोल्टेज जीरो होनी चाहिए, ऑफसेट करंट जीरो होना चाहिए, ये सब बातें हैं, ठीक है, बिल्कुल। अरे भाई आराम से करेंगे, डोंट वरी, डोंट रश द प्रोसेस, ओके, करेंगे, सही है, सही तो है, क्या दिक्कत आ गई, अरे तुम अलग ही ट्रिप में हो। हाँ, आइडियल ओप एम्प की ये कंडीशन होनी चाहिए थी, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे, जैसे मैंने बोला था हम सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे ओपन लूप से, ठीक है, तो हम बात स्टार्ट करेंगे ओपन लूप ओप एम्प या ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। अब ये ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया गया किस तरह से काम करता है, कंपैरेटर की तरह काम करेगा। मतलब मान लो मेरे पास कोई इनपुट है, सबसे पहले तो मैंने ओप एम्प बनाया प्लस वीसीसी, या इसको कुछ लोग किसी बुक में वी सैचुरेशन ही लिख देते हैं सीधा सीधा, उन्होंने मान लिया कि भाई ये वी सैचुरेशन है, नहीं, अप्लाइड इनपुट है वो वीसीसी है, ठीक है, ये क्या लिखेंगे हम वीसीसी, और कुछ लोग ये नीचे वाले को वीईई लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग माइनस वीसीसी ही लिखेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहां पे आपने कुछ एक इनपुट अप्लाई करी, लेट्स से कि आपने पॉजिटिव वाले को इनपुट दी, ये तो भाई पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव करो, हाँ, लेट्स से आपने पॉजिटिव वाले को इनपुट दी वी1 और नेगेटिव वाले को इनपुट दी वी2, इतनी बात क्लियर है। अब इनका जो इनपुट का जो डिफरेंस होता है, अप्लाइड इनपुट का जो डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं VD, एंड VD इज नथिंग बट V1 माइनस V2, ठीक है। मतलब क्या, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, कभी भी इसको उल्टा मत कर देना। ऐसा हो सकता है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप वोल्टेज -2 लगा दो, मर्जी है आपकी, कर सकते हो, वोल्टेज इनपुट लगाना तो मेरे हाथ की बात है, लेकिन जो वीडी की वैल्यू डिफाइन करी जाती है वो करी जाती है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। अब वो वोल्टेज जो हो वो आप देख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है इतनी सी बात, बताएंगे ना। अरे भाई मैंने क्या बोला, डोंट रश द प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद कुछ नहीं पता होगा, आपको थोड़ा बहुत पता है, बहुत से लोगों को शायद बहुत कुछ पता होगा, एक साथ चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब यहां जाते हैं, तो VD is equals to what, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये होता है आपका एंटरिंग इनपुट, ठीक है, इसको VD बोल दिया। अब हम बात करेंगे, हमें बहुत अच्छे से पता है आउटपुट इज इक्वल्स टू व्हाट, जो आपका गेन था ओपन लूप वोल्टेज गेन, या फिर मैं बोल दूं उसको AV, अरे भाई AV, ये बेसिकली होता क्या है, ये रेशियो होता है आपके आउटपुट अपॉन इनपुट का, तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, यहां लिखा जाएगा वी डी, यानी जो आपका इनपुट जो गया है अंदर वो क्या गया है, वी डी इनपुट गया है, वी टू माइनस वी वन माइनस वी टू, इतना गया है आपके आउटपुट के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है ओपन लूप है तो ये वैल्यू कहां जानी चाहिए, आइडियली इन्फिनिटी जानी चाहिए, इन्फिनिटी जाने चाहिए, तो यहां से अगर मैं वी आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, ए वी टाइम्स वी डी, या इसी वी डी को अगली लाइन में मैं क्या लिख सकता हूं, अगर किसी को भी रफ्तार थोड़ी सी तेज लग रही हो तो बता देना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए वी मल्टीप्लाई वी वन माइनस वी टू, ठीक है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ए वी की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, हाँ जी ये जा रहे हैं इन्फिनिटी, अब अगर ये इन्फिनिटी जा रहे हैं तो V आउटपुट इज नथिंग बट V1 माइनस V2 टाइम्स इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी तो जा नहीं सकते, तो क्या होगा, अब इस बात को समझो, अगर अगर सुनो, आप इनपुट कुछ भी लगा सकते थे, VD की वैल्यू ये है, अगर V1 यानी आपके पॉजिटिव टर्मिनल का जो इनपुट है वो ज्यादा है, यहां मैं इन्फिनिटी लिख दूं,
ठीक है, अगर v1 की वैल्यू ज्यादा है, इसको थोड़ा कंप्रेस करके ऊपर लिखते हैं सो दैट आगे की बात समझ आए, ठीक है। हाँ, अगर आपके, मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूं, कंडीशन मान, ये इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, v1 इज ग्रेटर देन v2 और v2 इज ग्रेटर देन v1, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, या मैं कह दूं पॉजिटिव इंटर टर्मिनल में जो वोल्टेज आ रहा है वो ज्यादा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो क्या ये वैल्यू एक पॉजिटिव चीज बन जाएगी, वी वन माइनस वी टू, वी वन ज्यादा है तो ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव। तो वी आउटपुट विल टेंड्स टू प्लस वी सैचुरेशन, ठीक है, कई बात समझ आ गई, देन वी आउटपुट विल टेंड टू प्लस वी सैचुरेशन। लेकिन अगर आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है तो क्या होगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, अगर क्वांटिटी नेगेटिव हो गई देन व्हाट, योर वी आउटपुट विल टेंड टू माइनस वी सैचुरेशन। बस इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात पे क्वेश्चन बहुत भयंकर बन सकते हैं, क्वेश्चन की टेंशन तुम मत लो, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो क्या वी आउटपुट टेंड्स टू प्लस वी सैचुरेशन समझ आया, या वी आउटपुट माइनस वी सैचुरेशन समझ आया, ये बात है पीछे स्लाइड पे सब ठीक तो है, सब सही है ना। इसलिए लिया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप पॉजिटिव ही कंसीडर करा जाता है, क्योंकि अंदर सर्किट में जैसा होता है, सर्किट कुछ इस तरह से डिजाइन करा जाता है कि इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आने वाला है और इसकी वजह से जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, हमें पता है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल जो होता है इनपुट वो आपको 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देता है। आगे क्वेश्चंस कराएंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि VD इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज, ठीक है, ऑल गुड। आगे बढ़ जाऊं, सब जल्दी से बताओ एक बार, यहां तक सब सेट है? हाँ, अब यहां तक अगर सेट है तो इसकी अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसकी आप बताइए क्या बोलते हो चीज को, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, हाँ दिमाग से निकल जाता, क्या ट्रांसफर बेसिकली आपके आउटपुट के साथ आपका इनपुट कैसे चेंज करेगा वो वैल्यू बता दीजिए सिर्फ और सिर्फ। तो इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ बनता है इस तरह, मान लीजिए ये आपकी अप्लाइड, ये है आपकी VD की वैल्यू जो है V1 माइनस V2, ठीक है, ये VD की वैल्यू है और यह है आपका आउटपुट। तो ग्राफ समझ आ गया है किसके किसके बीच में, आउटपुट और इनपुट। VD क्या था, इनपुट था ना, अप्लाइड डिफरेंशियल वोल्टेज ना, जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज जो आपने अप्लाई करा वो इनपुट था VD, ठीक है, इतनी सी बात। हाँ जी, तो यार एक बात देखो, अगर गलती से भी VD कुछ भी पॉजिटिव हो जाए, मैं कहता हूँ बहुत छोटी सी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, अगर बहुत छोटी सी वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव हो गई तो क्या मुझे दिखेगा कि ये प्लस इन्फिनिटी को, यानी प्लस वी सैचुरेशन को शूट करेगा, पक्की बात है। VD की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और अगर VD की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, माइनस V सैचुरेशन को शूट करेगा। और क्या ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट, कभी भी चेंज नहीं होगी, क्या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, उस चीज की बात करेंगे लीनियर सैचुरेटेड। तो इस हिसाब से कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। तो ये आपको ग्राफ मिलता है, ये है आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फॉर ओपन लूप गेन, क्लियर है इतनी सी बात। लेकिन यार एक बात देखो, ये मैं बहुत अच्छे से पता है कि आइडियल ओपैम आपने कंडीशन मान ली है, सच में तो गेन इन्फिनिटी नहीं हो जाता। अगर कोई बहुत अच्छे से अच्छा भी ओपैम होता है तो उसका गेन जो होता है वो 10^5 की रेंज में होता है, 10^10^6 इस रेंज में इसका जो है वो ओपन लूप गेन होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वैल्यू ऐसे शूट नहीं करती, कैसे शूट करती है, एक्चुअल में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह आती है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड, और ये जो आपको स्लोप मिल रहा है, दिस स्लोप इज इक्वल्स टू योर वोल्टेज गेन, ठीक है, कितनी बात समझ आ गई अच्छे से। हां जी, बात समझ आ गई है सर, VCC समझ में नहीं आया, अच्छा देख लेते हैं VCC क्या समझ नहीं आया, देखो एक बार देख लेते हैं दोबारा। मैंने आपको क्या बताया,
यहाँ से मैं बहुत अच्छे से पता चला कि ओपन लूप गेन है, मतलब जो ओपन लूप गेन में जो ओपन लूप में जो वोल्टेज गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है। और हमें पता है गेन इज वॉट, आपने कितनी चीज गेन कर ली, मतलब आउटपुट आपके इनपुट से कितना ज्यादा है ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, क्लियर है इतनी सी बात। यहां से हमने देखा आउटपुट इज एवी वीडी, वीडी मतलब डिफरेंशियल इनपुट जो आपने दिया सर्किट को, उसको हमने बोला वी वन माइनस वी टू, क्लियर इतनी सी बात। अब यार अगर वी वन ज्यादा यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे ज्यादा इनपुट है तो क्या होगा, आपका जो वी आउटपुट के इन्फिनिटी इंटू समथिंग पॉजिटिव मल्टीप्लाई, तो ये कहां जाएगा प्लस इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी को जा नहीं सकता तो कहां जाएगा प्लस वी सेचुरेशन पे, समझ आई बात। अच्छा, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए यानी जो V2 की वैल्यू है इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट है वो ज्यादा हो जाए तो ये चीज क्या हो जाएगी नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव हो गई तो ये V मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इंटू समथिंग नेगेटिव, तो ये कहां जाएगा माइनस V इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी को जा नहीं सकता, माइनस इन्फिनिटी को अगर नहीं जा सकता तो कहां जाएगा माइनस V सेचुरेशन। क्या ये बात क्लियर है अब, और हमने क्या ये यही करा है, अगर VD की वैल्यू पॉजिटिव तो प्लस V सेचुरेशन, अगर नेगेटिव तो माइनस V सेचुरेशन, सही है बात, जल्दी से बताओ सही है सर। अब बेसिकली बात क्या हो रही है, ये तो बात कब होती जब स्लोप सच में इन्फिनिटी था, लेकिन स्लोप सच में इन्फिनिटी थोड़ी है, स्लोप की तो वैल्यू है मेरे पास, स्लोप होता है 10^5 से 10^6, मतलब बेसिकली जो आपका गेन होता है वोल्टेज गेन वो होता है इस रेंज में, और मुझे पता है दिस इज नथिंग बट वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो यार अगर आप ग्राफ बना रहे हो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का, यानी ये VD वैल्यू थी, वी आउटपुट अपॉन VD का जब आप ग्राफ बना रहे थे तो यार डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप ही तो होता है, तो जब भी आप वी आउटपुट अपॉन V, अब ये वैल्यू फिक्स होगी ना, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन फिक्स क्वांटिटी है, इन्फिनिटी तो नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करने से आपको यही वैल्यू मिलेगी, स्लोप मिलेगा, और क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा है तो वैल्यू कैसी आएगी, बहुत ज्यादा पास आएगी स्ट्रेट लाइन के, क्लियर है बात। अच्छा नहीं समझ आया, दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ग्राफ के आगे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर इन्फिनिटी होता तो आपको बात समझ आ गई कि ये प्लस इन्फिनिटी जाने वाला था वो माइनस इन्फिनिटी जाने वाला था, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसा कुछ होता नहीं है क्योंकि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज नहीं ले सकते हो ओपैम से, कितना ले सकते हो प्लस वी सेचुरेशन माइनस वी सेचुरेशन। इतनी बात क्लियर, सबका क्लियर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यस यस यस, प्लस वी सेचुरेशन इज नथिंग बट द मैक्सिमम पॉजिटिव इनपुट दैट यू हैव, पॉजिटिव इनपुट नहीं कहूंगा, पॉजिटिव सप्लाई दैट यू हैव सप्लाइड टू द सिग्नल, और ये क्या हो जाएगा माइनस वी सी सी, इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऑल गुड। हाँ अब क्या होने वाला है, क्योंकि ए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी तो स्लोप क्या, ये मैं स्लोप लिख दूं यहां पर, स्लोप इज क्या डेल्टा वी वन डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा वी डी, तो बेसिकली जब आप स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप बहुत ज्यादा आएगा और वो वैल्यू देगा आपके गेन की जो एक्चुअल वैल्यू है। तो आइडियली ग्राफ कैसा आना चाहिए था, वाइट वाला, ऐसा चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वाइट क्या है आइडियल, और अगर ये इसकी बात करें, भाई कलर कोड कर रहा हूं अच्छे से समझ जाना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है प्रैक्टिकल, ठीक है, तो आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस में फर्क समझ आ गया, आइडियली ऐसा आना चाहिए था लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो एक स्लोप दिखाई देगा, क्लियर है इतनी सी चीज। प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी डबल इनपुट सप्लाई आप सर्किट को देते हो, ओपैम हमेशा एक डबल सप्लाई पर काम करता है जो आप सर्किट को देते हो, ये तो है सर्किट चलाने के लिए, उसके बाद आप इनपुट अलग से देते हो अपने सर्किट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, यस यस यस, समझ आ गया, एक बार जल्दी से सबको समझ आ गया है तो क्या होना चाहिए, स्ट्रीम लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर, आ जाओ, इतनी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। अच्छा अब मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूं, लेट सपोज आई हैव अ ओपैम, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ये है मेरा वी आउटपुट, यहां पर मैंने दिया है एक कांस्टेंट बैटरी लगा दी मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी है मैंने पॉजिटिव पर, ठीक है, ये आपने दिया है प्लस वी सेच, इसको वी सेचुरेशन की वैल्यू भी तो कुछ होगी, तो मैं बोल देता हूं प्लस 10 से माइनस 10 के बीच में मैंने अपना इनपुट दिया है, ठीक है,
तो प्लस वी सेचुरेशन प्लस 10 और माइनस वी सेचुरेशन माइनस 10। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी। अब मैंने क्या बोला, आपने जो इनपुट दिया है नेगेटिव टर्मिनल पर, वो आपने दी है एक साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 2। तो 2 साइन ओमेगा टी की आपने एक वेव दी है। ये बात समझ आ गई है? क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। क्या बोला जा रहा है कि 2 साइन ओमेगा टी की वेव आपने दी है नेगेटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और 1 वोल्ट की पावर सप्लाई या मैं बोल सकता हूं 1 वोल्ट का कांस्टेंट डीसी इनपुट आपने दिया है किधर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। अब आपसे पूछा गया है कि आउटपुट कैसा होगा। हाँ जी, अब जरा एक बार बताओ आउटपुट कैसा आएगा। जरा पहले मैं इनपुट बनाता हूं, ठीक है। मान लेते ये कुछ आपका इनपुट है, हालांकि ऐसा सा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आपका इनपुट है प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। ये है प्लस 2 और यह है माइनस 2। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आउटपुट आपको कैसा दिखेगा, अगर आप बता सकते हो तो बताओ। देखो एक बात सोचो बहुत अच्छे से, जब भी इनपुट की वैल्यू कौन से, जब भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू ज्यादा होगी तो आउटपुट कहां जाएगा, जल्दी से बताओ। जब भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू ज्यादा होगी तो आउटपुट कहां जाने वाला है, प्लस वी सैचुरेशन, माइनस वी सैचुरेशन। और जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो कहां जाएगा, प्लस वी सैचुरेशन। अब ये साइन वेव है, हाँ जी, ये क्या है, एक साइन वेव है। तो यार साइन वेव में लेट सपोज ऐसा, जब ये साइन वेव है, अच्छा यहां है बनी तो हुई है क्या, मैं अभी पागल करा। जब ये साइन वेव है तो लेट सपोज यहां से पहले ये वैल्यू 1 वोल्ट है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 1 वोल्ट। अब पॉजिटिव नेगेटिव भी मैं खेल सकता हूं, इस बात को ध्यान रखना सब लोग, पॉजिटिव नेगेटिव भी मैं खेल सकता हूं, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। तो ये कितना है, प्लस 1 वोल्ट। हां जी, क्लियर है। अच्छा, ये प्लस 1 वोल्ट था। अब यार जब भी आउटपुट, यानी ये आपका इनपुट है वो वाला जो नेगेटिव पे लगा हुआ है, ठीक है, उस इनपुट को मैंने यहां बड़ा करके बनाया। जब भी ये वैल्यू कहां है, 1 से छोटी है, क्योंकि ये तो क्या एसी सिग्नल है, 1 से ज्यादा भी है 1 से नीचे भी। जब भी ये 1 से छोटी है तो यार किस किस रीजन में 1 से छोटी, जरा देखो। ये जो रीजन है, इस रीजन के इस तरफ ये 1 से छोटा है, इस तरफ 1 से ज्यादा है। अब इस रीजन के इस तरफ ये 1 से, इस तरफ ये क्या है, 1 से छोटा, बीच में 1 से ज्यादा है। तो यार मुझे एक बात पता चली कि यहां तक ये एक पॉइंट है जहां से ये 1 की वैल्यू कम है। अगर इनपुट नेगेटिव टर्मिनल का 1 से कम है तो बेसिकली कौन सा बड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला। अगर पॉजिटिव टर्मिनल वाला बड़ा है तो उसे कहां जाना चाहिए, प्लस वी सैचुरेशन। कई बात आपको चमक रही है, लेंगे लेंगे, डोंट वरी, वो भी लेंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ ये कहां जाने वाला है, प्लस वी सैचुरेशन, वेरी गुड। अच्छा, प्लस वी सैचुरेशन ये जाने वाला है। तो यार कब, जब आपका जो ये इनपुट है 2 वाला इससे कम है, 1 से कम है, तो ये जाएगा प्लस वी सैचुरेशन, यानी इस रीजन में। मान लेते हैं ये आपकी प्लस वी सैचुरेशन की वैल्यू है, तो ये इस रीजन में जाएगा प्लस वी सैचुरेशन। ऐसा नहीं बनाते, मतलब ये, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये कहां होगा, जब 1 से कम है ये प्लस वी सैचुरेशन पर होगा, यहां पर ये प्लस वी सैचुरेशन पर होगा। अब जैसे ही आपने इनपुट 1 से ज्यादा कर दी तो नेगेटिव वाला ज्यादा हो गया, नेगेटिव वाला ज्यादा हो गया तो ये कहां चला जाएगा, माइनस वी सैचुरेशन। कहती बात क्लियर है, कहां चला जाएगा, जल्दी बताओ सब लोग। इजी इजी है, आगे थोड़े क्वेश्चन टफ भी करा दूंगा, अभी स्टार्ट करा है इसलिए इजी चलाया है। तो क्या एकदम से क्या मिला मुझे, चेंज मिला। आइडियल मानोगे तो डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएगा, और अगर प्रैक्टिकल मानोगे तो थोड़ा स्लांटिंग स्लोप के साथ ड्रॉप होगा। आइडियल मान लेते हैं फिलहाल, लेकिन ये याद रखना अगर उसने आपको क्वेश्चन में ओपैम का ओपन लूप गेन अगर दे रखा है ना, और अगर गलती से स्लांटिंग कोई ऑप्शन है तो वो सही होगा, डायरेक्ट वाला सही फिर नहीं होगा। कई बात आपको समझ आ गई, अगर उसने ओपन लूप गेन दे रखा है, और नहीं दिया होता तो हमें पता है कि ये आइडियल की बात कर रहा है। अगर दे रखा है, एक बार समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ फिर से समझ लेते हैं।
क्योंकि इसको समझ लेंगे आगे के क्वेश्चन इससे टफी हैं, इजी इससे टफ, इससे इजी कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये क्या हो रहा है देखो, मैंने यहां पर सर्किट को समझते हैं। सर्किट में मैंने क्या दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे 1 डीसी, मतलब डीसी सप्लाई, इसका वोल्टेज हमेशा 1 वोल्ट हो गया। इसको हटाकर क्या मैं यहां सीधा 1 वोल्ट लिख दूं तो भी क्या सही हो जाएगा, तो मैंने सीधा इसको 1 वोल्ट लिखा। उसके बाद क्या, हाँ स्क्वायर वेव भी आएगी, लेकिन आएगी कहां पर वो वाली बात है। यहां मैंने दिया है 2 एम्पलीट्यूड का साइन वेव। तो जब भी अब इन दोनों को ये क्या करेगा, कंपैरेटर है ना, हमेशा इन दोनों को कंपेयर करेगा, और जो ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो प्लस भी सैचुरेशन, नेगेटिव वाला ज्यादा है तो माइनस भी सैचुरेशन, ऐसा ही करेगा। इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है क्या? अरे यहां तो सही चल रहा है मेरे पास, तो भाई सब सही है, आई गेस एवरीथिंग इज ओके। एक बार रिफ्रेश कर लो एक बार स्ट्रीम, आई गेस सही हो जाएगा। हाँ, तो क्या होगा अब यार, ये साइन वेव है, ये साइन वेव की वैल्यू इस पॉइंट से नीचे 1 से छोटी है और इस पॉइंट से ऊपर 1 से बड़ी है। जब 1 से छोटी वैल्यू है किसकी, नेगेटिव वाले की, तो बड़ा कौन है, कंपेयर करके वैल्यू किसकी ज्यादा बड़ी आई, पॉजिटिव टर्मिनल की, तो ये कहां चला गया, प्लस वी सैचुरेशन। ठीक है, सही है। और जब ये वैल्यू कहां है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो ये कहां चला जाएगा, फिर से जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कहां चला जाएगा। अब आपके नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल के इनपुट से बड़ा हो गया, तो कहां चला जाएगा, माइनस वी सैचुरेशन। तो ये कहां आ जाएगा, माइनस वी सैचुरेशन। कब तक माइनस वी सैचुरेशन में रहेगा, यहां तक ये माइनस वी सैचुरेशन में ही रहेगा। क्लियर है ये बात। और जब ये यहां से आगे आया तो फिर दोबारा से आपके इनपुट की वैल्यू 1 से कम हो गई, यानी पॉजिटिव वाला फिर से हावी हो गया, हावी हो गया, तो ये दोबारा से इसको प्लस वी सैचुरेशन पे भेज देगा। इस तरह से आपका ये ग्राफ आएगा। ठीक है, ठीक है क्या, ये जल्दी से बताओ, ओके ऑल गुड, क्या सबको समझ आ गया, जल्दी से बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन अपने को करने हैं यार, ऐसे नहीं करो, क्वेश्चन करने हैं अपने को बहुत सारे, बिना क्वेश्चन के ओपन नहीं समझ आने वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक क्वेश्चन और दे दो, एक क्वेश्चन और दे दो। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इनपुट चेंज कर देनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वाले को फिक्स कर दे रहे हैं 2 वोल्ट पे, और पॉजिटिव वाले को दे रहे हैं साइन वेव ऑफ 5 sin ωt। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है आउटपुट बताइए, तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। अगर ये आपका इनपुट है 5 sin ωt का, ठीक है, ये प्लस 5 है, ये माइनस 5 है, क्या फिर दोबारा से इसमें मैं, अब देखो बहुत ज्यादा चेंज होगा अगर आप पोलैरिटी चेंज कर देते हो। मान लो इसको प्लस 2 की जगह माइनस 2 दे दूं, एक बार मजा आ जाएगा ना एकदम से, चलो माइनस 2 दे देते हैं। ठीक है, अब सही है, अब और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अब अच्छे से मजा आएगा। मैंने क्या करा, इसको मैं कॉपी मार लेता हूं, अब आपको चेक करना रहेगा बहुत ध्यान से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको कॉपी करने की वैसे जरूरत नहीं थी। आउटपुट की वैल्यू चेक करनी है ना अपने को, तो ये तो प्लस वी सैचुरेशन माइनस वी सैचुरेशन पे ही जाएगा, तो मान लेते हैं ये है प्लस वी सैचुरेशन और ये है माइनस वी सैचुरेशन। हाँ जी, इधर आ जाओ। अब देखो ये आपका इनपुट है, ये इनपुट किससे कंपेयर करा जाएगा, पहले तो ये बात सोचो, ये तो आपका इनपुट है, ये इनपुट हमेशा किस चीज से कंपेयर करा जाएगा, माइनस 2 से, क्योंकि वहां तो एक फिक्स वैल्यू है, तो हमेशा ये वैल्यू क्या, माइनस 2 से कंपेयर करी जाएगी। पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू ली थी, अब हमने नेगेटिव वैल्यू ली है, तो ये किससे कंपेयर करेगा, माइनस 2 से। क्लियर है ये बात, सोचो है ना, जब भी आपके पॉजिटिव की वैल्यू माइनस 2 से ज्यादा, तो कौन सा ज्यादा हावी हो रहा है, किसके पास ज्यादा शक्ति, पॉजिटिव वाले के पास, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, पॉजिटिव वाला बोलेगा मैं जाऊंगा वी सैचुरेशन पे। क्लियर है, यस। तो हम क्या करेंगे, इनपुट में एक माइनस 2 वोल्ट की एक लाइन बना लेते हैं, ये माइनस 2 वोल्ट की मैंने एक लाइन बनाई है। अब जब भी आपका इनपुट माइनस 2 वोल्ट से ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है, प्लस का इनपुट, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी आपका आउटपुट कहाँ जाएगा, प्लस भी सैचुरेशन। क्या बात समझ में आई, जरा जल्दी से बताओ सब लोग,
जिस जिसको समझ आ गई है यस लिख दो, जिस जिसको समझ आ गई है यस लिख दो बहुत जल्दी से। लाइन डार्क कीजिए, कौन सी वाली, कौन सी नहीं दिख रही भाई? अच्छा रेड नहीं दिखता होगा, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। रेड कलर दिखता नहीं है सही से, ब्लैक कर लेते हैं। ये हमने -2 वोल्ट करा है, ठीक है -2 वोल्ट ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि -2 वोल्ट से अब इसको एक बार नीचे यहां खींच दूं क्या? -2 वोल्ट से एक लाइन है जो इस इनपुट को यहां काटती है, ठीक है। अब जब भी, हाँ फिर से बता देंगे डेविल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या करा, हमने क्या करा, हम कंपेयर करेंगे किससे, -2 वोल्ट। ये दोनों चीजें आपस में कंपेयर होंगी, इनपुट वेरिएबल है जो प्लस वाला है, नेगेटिव वाला फिक्स है -2। तो आपने अपने इनपुट पर -2 की एक लाइन बनाई, क्योंकि आप हमेशा इससे ही कंपेयर करोगे। तो यहां मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस लाइन से पहले जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट है वो ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो वैल्यू कहां शूट करेगी, प्लस वी सैचुरेशन, क्योंकि पॉजिटिव नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ज्यादा है। हाँ जी, अब इससे अगर आप नीचे आ जाए तो क्या होगा, इससे नीचे कौन सी वैल्यू ज्यादा है, -2 इज ग्रेटर देन -5 ना, इतनी मैथ्स हम सबको आती है। तो क्या हो जाएगा, -2 ज्यादा है यानी नेगेटिव टर्मिनल ज्यादा है, तो ये कहां जाएगा, -V सैचुरेशन। कब तक रहेगा -V सैचुरेशन पे, यहां तक, यहां तक रहेगा -V सैचुरेशन पे, और उसके बाद दोबारा से +V सैचुरेशन। इस तरह का आपका ये ग्राफ आने वाला है, क्या ये बात समझ आई है? हेलो बिहारी, क्या ये बात समझ आएगी, जल्दी से बताओ। आगे बढ़ जाऊं मैं, अब कुछ डेफिनेशंस की बात कर लें क्या, क्योंकि भाई टाइम भी बहुत हो रहा है, बहुत सारी चीजें समझनी है, ओपन में बहुत कुछ है, आगे बढ़ जाए ठीक है। अब हम बात करते हैं एक चीज की जिससे बहुत बार चीजें पूछी जाती है, दैट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसको हम बोलते हैं CMRR, ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये है क्या, बेसिकली CMRR इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, दो चीजों का रेशियो है। नंबर वन इज द डिफरेंशियल गेन एंड नंबर टू इज द कॉमन मोड गेन, ठीक है। AD इज योर डिफरेंशियल गेन, एंड ACM इज योर कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो CMR रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब यार डिफरेंशियल गेन तो हमें पता है, जो हम पहले निकाल रहे थे वो डिफरेंशियल गेन ही तो था, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन ही तो था, वही तो हमने निकाला था। लेकिन कॉमन मोड रिजेक्शन, कॉमन मोड गेन क्या होता है, कॉमन मोड गेन का सीधा सा मतलब है जब भी आप किसी ओपैम में दोनों इनपुट सेम कर दें, क्या कर दें, दोनों इनपुट सेम कर दें। ये आपने एक इनपुट दिया है जिसको हम बोलते हैं VCM, यानी कॉमन मोड वोल्टेज या कॉमन मोड इनपुट बोला जाता है इसे, ठीक है, यहां तक सब ठीक समझ आ रहा है। अब इस ओपैम को आपने क्या करा, यहां से आपको एक आउटपुट भी तो मिलेगा जिसको हम बोलते हैं VOCM, कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज, क्या बोला, आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज। VOCM को क्या बोलते हैं, लिख देता हूं किसी को ना याद रहे तो, आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज, यह है आपका VOCM, और VCM क्या है, कॉमन मोड वोल्टेज, ठीक है। तो यार इसका आउटपुट क्या होगा, देखो क्या हो गया, ठीक है, अब जरा देखो क्या हो रहा है। मुझे पता है गेन क्या होता है, गेन इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यार एक बात देखो, ये क्या है, सेम इनपुट दे रहा है, लेकिन आप कितना ही सेम इनपुट दो, मान लो मैंने दिया 5 वोल्ट 5 वोल्ट, लेकिन अगर उस 5 वोल्ट को मैं और ज्यादा एरर में चेक करूं, मान लो उसके बीच में एरर है 0.0001% का, यानी या 0.001 वोल्ट का एरर है, यानी एक है 5 वोल्ट और एक है 4.9999 वोल्ट।
अगर इतना भी एरर हुआ मान लो, लेकिन हमारा गेन कितना है, ओपेम का गेन होता है 10^5 से 10^6, तो वैसे तो ये डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने ओपेम में लगा दिया है तो ओपेम इस डिफरेंस को क्या करेगा, 10^6 से मल्टीप्लाई, और फिर आपको जो आउटपुट मिलेगा उसको बोलते हैं आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज। कई बात समझ आ गई है, कई बात समझ आ गई है, हाँ जी कई बात समझ आ गई है। तो अगर मैं बात करूं ACM की, तो ACM क्या होता है, इज नथिंग बट VOCM डिवाइडेड बाय VCM। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां मुझे क्या दिख रहा है, मेरे पास एक इनपुट था और वो एक इनपुट मैंने दोनों इनवर्टिंग एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल्स में डाल दिया। ठीक है, अब देखो यार ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो वायर भी चेंज हो सकती है, अलग लेंथ हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। अगर तुम सब कुछ कॉन्स्टेंट भी रख लो फिर भी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। एक 5 वोल्ट है और एक 4.999999 वोल्ट है, मान लो ऐसा है, तो इसको यार ऑब्वियसली निग्लेक्ट कर सकते हो तुम जनरल रीडिंग में। लेकिन जब आप ओपैम में इस इनपुट को लगा रहे हो तो क्या होगा, ओपैम का क्योंकि गेन कितना होता है 10^6 में, तो वो क्या करेगा, इसको मैग्नीफाई करेगा और उसके बाद आपको स्टिल एक ऑब्जर्वेबल आउटपुट मिलेगा। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, जल्दी बताओ। अब आपको आउटपुट मिलेगा तो उसको हमने बोला VOCM आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज, और इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे, ACM। ठीक है, सही है। तो CMRR रेशियो को किसी और फॉर्मूले से भी लिखा जाता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू AD डिफरेंशियल गेन था, और ACM की जगह लिख दो VOCM और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा VCM का, तो इससे भी इसको डिनोट कर सकते हो। इतनी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताओ। अब यार एक बात देखो, अगर मैं CMRR रेशियो की बात करूं तो यार कॉमन मोड गेन जो होगा क्या ये वैल्यू बहुत कम होने वाली है, क्यों? देखो VCM क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा होने वाला है, हाँ जी हाँ जी, ACM की वैल्यू होने वाली है ज्यादा, क्योंकि इस कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा होती है। देखो डिफरेंशियल बहुत ज्यादा, VOCM ज्यादा, ACM थोड़ा सा कम, लेकिन इन जनरल जो CMRR रेशियो होगा आइडियली तो इन्फिनिटी होता है, हमने बोला था ना कि CMRR रेशियो आइडियली इट इज इन्फिनिटी, लेकिन यार हमें इतना पता है कि इन्फिनिटी तो नहीं जाएगा, स्टिल एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है इसलिए इसको जनरली लिखते हैं हम डेसिबल में। जब भी आप कोई लॉग ग्राफ बनाते हो, अगर आपने कभी जिंदगी में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करे हो, तो जो भी एक्सपेरिमेंट फ्रिक्वेंसी रिलेटेड होते हैं उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को आप लॉग ग्राफ में लिखते हो, है ना। तो लॉग ग्राफ में जो चेंज ऑफ एक्स होता है, सॉरी चेंज ऑफ वाई होता है, वो होता है डेसिबल्स में। ठीक है, वो होता है डेसिबल्स में। तो जो आप वैल्यू लिखते हो CMRR रेशियो की, वो भी हम डेसिबल्स में लिखते हैं। तो अगर मैं CMRR रेशियो इन डेसिबल की बात करूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 20 log AD डिवाइडेड बाय ACM। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कभी एक बार कोई क्वेश्चन आ सकता है। जो पीछे वाली चीज थी, तो कभी कभार आपसे ना VOCM की वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, VOCM की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा साइड से करके VOCM को एक बार हीरो बना के थोड़ा एक अलग फॉर्मूले में लिखते हैं, तो क्या लिखा जा सकता है, VOCM इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंशियल गेन कॉमन मोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय CMRR रेशियो। ठीक है, और CMRR रेशियो कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो सर्किट में आपको गिवन होगा। ठीक है, सही है, साउंड ग्राफ लॉक होता है, समझा नहीं मैं आपकी बात को, यहां तक सब सही है ना। अच्छा, इसके बाद एक और चीज की हम बात करेंगे, दैट इज योर स्ल्यू रेट। इससे भी आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन हर जगह कभी ना कभी ऊपर नीचे पूछे जाते हैं, स्लो रेट है क्या। बेसिकली स्लो रेट किसी भी ओपैम का स्लो रेट ये बताता है कि वो ओपैम कितनी जल्दी ऑपरेशन कर रहा है, मतलब जैसे आपने इनपुट दिया कितनी जल्दी आउटपुट आ गया।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, मतलब आपके पास एसी सिग्नल है, मान लो एसी सिग्नल मूव कर रहा है किसी फ्रीक्वेंसी से, है ना, मान लेते हैं 10,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, है ना, 1,00,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहा है, तो क्या आपका आउटपुट भी उस ही फ्रीक्वेंसी से मिल पाएगा? क्या आपका ओपीएम इतनी जल्दी काम कर रहा है कि विद द चेंज ऑफ इनपुट आपको चेंज इन आउटपुट मिल सके? ये चीज बताती है सीएम स्लू रेट, ये बताता क्या है कि हाउ फास्ट योर ओपीएम इज वर्किंग। ठीक है, ये बताता है कि हाउ फास्ट योर ओपीएम इज वर्किंग। यहां तक बात सही है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक बात बताओ, ये सब चीजें समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, चलो। तो अगर वी आउटपुट की कोई वैल्यू रहेगी, मान लेते हैं वी आउटपुट की कोई एक वैल्यू है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो साइन में रहेगा, क्योंकि अगर आप साइन आउटपुट नहीं ले रहे हो, यानी चेंजिंग आउटपुट नहीं ले रहे हो, तो टाइम के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो स्लू रेट तो वैसे भी जीरो हो गया। सही है, सही है, हाँ जी। एडी इज डिफरेंशियल गेन, ठीक है, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन इज योर एडी। ठीक है, अच्छा, तो वी आउटपुट वन वी आउटपुट बाय डीवी बाय डीटी हो गया। इसी चीज को क्या लिख सकते हो, ओमेगा वी मैक्स, क्योंकि यार वी आउटपुट कुछ ना कुछ तो मान लेते हैं समथिंग साइन ओमेगा टी, कुछ आगे मल्टीप्लाई रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और साइन ओमेगा टी रहेगा। तो अगर स्लू रेट की मैं मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछूं, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स वीएम, यानी जो आपका आउटपुट था उसका जो एम्पलीट्यूड है मल्टीप्लाइड विद द फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा, या इसी को लिखा जा सकता है 2πfvm। ठीक है ये बात, या वी आउट लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये है क्या, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट है। ठीक है, आउट वैसे तो वो क्या होगा, साइन वेव होगी, मान लेते हैं साइन 1000 ओमेगा टी था, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके कॉस 1000 ओमेगा टी। अब उसका आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या, 1, तो बेसिकली ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ योर आउटपुट से। ठीक है, तो स्लू रेट आप ऐसे निकाल सकते हो। अब एक कंडीशन है जो इसमें आपको हमेशा याद रखनी है, कंडीशन क्या है ये, इससे एक आध बार कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अगर आपका जो ये वैल्यू है डीवी आउटपुट बाय डीटी, दिस शुड ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू स्लू रेट, बोले तो क्या। अब यार एक बात देखो, अगर किसी कंपनी ने ओपीएम बना दिया, तो उसने जिस क्वालिटी का ओपीएम बनाया उसे पता है कि मेरे ओपीएम का स्लू रेट इतना जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन इनपुट लगाना तो आपका काम है, आप तो किसी भी हिसाब से इनपुट लगा सकते हो और किसी भी हिसाब से आप आउटपुट चेक कर सकते हो। तो अगर आपने जो इनपुट लगाया उसके हिसाब से आउटपुट चेंज की वैल्यू कुछ और है, वो हमेशा किस रेंज में होनी चाहिए, वो हमेशा जो कंपनी ने ओपीएम बनाया है स्पेसिफाइड स्लू रेट के अंदर ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, सोचो, आपका ओपीएम वर्क कर सकता है, मान लो वो 10,000 इनपुट चेंज कर सकता है एक सेकेंड में, मान लेते हैं, हालांकि नंबर छोटा है लेकिन मान लेते हैं, लेकिन आपने दे दिए 12,000 इनपुट एक सेकंड में, तो वो क्या करेगा, 10,000 को तो चेंज कर पाएगा, बाकी के 2,000 को नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है डिस्टॉर्टेड आउटपुट। क्या मिलेगा, इफ डी वी आउटपुट बाय डी टी इज नॉट इक्वल लेस देन और इक्वल्स टू स्लू रेट, वी गेट डिस्टॉर्टेड आउटपुट। डिस्टॉर्टेड बोले तो क्या, उल्टा फुल्टा, कटा पिटा, डिस्टॉर्टेड आउटपुट आपको मिलेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? हेलो पीयूष, गुड टू सी यू। अच्छा, ओ सॉरी, यहां तक ठीक है,
आई गेस यहां तक ठीक है, यहां तक सब सही था। सीएमआर रेशियो क्या, रेशियो बिटवीन डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड गेन क्या होता है, जब भी आपने दो इनपुट सेम कर दी तो दो इनपुट सेम करने से जो आपके आउटपुट और इनपुट का गेन है दैट इज कॉमन गेन। ठीक है, ये चीज पता चल गई। तो यहां से हमने क्या ये वैल्यू वहां पे लगाई, सीएमआरआर का एक फॉर्मूला मिला। जो वैल्यू कभी कभी आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है वीओसीएम, है ना, यानी आपका आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज क्या होता है किसी ओपैम के लिए वो पूछा जाता है। ठीक है, और सीएमआर रेशियो वैसे क्या होता है, इन्फिनिटी आइडियली, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है इसलिए इसको डेसिबल में इस तरह से लिखा जाता है 20 लॉग, ये लॉग बेस क्या है 10 है, ठीक है, नेचुरल लॉग नहीं है, बेस 10 का लॉग है। ठीक है, एडी बाय एसीएम। ठीक है, उसके बाद स्लू रेट की हमने बात करी। स्लू रेट क्या है, हाफ फास्टर ओ पैम इज वर्किंग। वैल्यू क्या होती है, डी वी आउटपुट बाय डी टी। इसको एक बॉक्स में बंद कर ले क्या, क्योंकि ये अच्छा फॉर्मूला है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ओमेगा वी एम या फिर 2πf वी आउटपुट। वी आउटपुट बोले तो क्या, आपका जो आउटपुट का एम्पलीट्यूड है वो। ठीक है, साइन वाइन की टर्म नहीं आएगी क्योंकि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, हाँ जी, तो अब यहाँ आ गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर गलती से भी आपका डी वी आउटपुट बाई डी टी इज नॉट लेस देन और इक्वल टू, गलती से ज्यादा हो गया तो क्या मिलेगा, डिस्टॉर्टेड आउटपुट। क्या यहाँ तक सब कुछ सही है, जल्दी बताओ क्या यहाँ तक सब कुछ सही है। चलो अब बात करते हैं ओपन लूप की। देखो ओपन लूप जो आपके पास ओपन था, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इससे आपको बेसिकली तीन तरह के सर्किट मिलते हैं। ठीक है, तीन तरह के सर्किट मिलते हैं। नंबर वन क्या मिलता है, आपको मिल सकता है इनवर्टिंग एम्पलीफायर, नहीं इनवर्टिंग एम्पलीफायर कहना सही नहीं होगा, क्या देते, दूसरा क्या मिल सकता है, नॉन इनवर्टिंग। ठीक है, एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर मिल सकता है, नॉन इनवर्टिंग मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, डिफरेंशियल। ठीक है, एक बार तीनों के सर्किट्स को समझ लें अच्छे से। ठीक है, जब आप बोल रहे हो इन्वर्टिंग है, अब देखो याद रखो क्या ओपन लूप गेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई फीडबैक वीडबैक नहीं है। ठीक है, तो कोई अगर फीडबैक वीडबैक नहीं है तो सीधा सीधा सर्किट इस तरह से बना के मुझे वी आउटपुट मिलना चाहिए। यहां दो मेरे पास इनपुट होने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस वी सैचुरेशन, नहीं लिखेंगे इसको, लिखेंगे वी सी सी। ठीक है, और इसी चीज को मैं लेके तीन जगह कॉपी पेस्ट मार देता हूं। ठीक है, क्योंकि सर्किट तो ये रहने वाला है। अब चेंज क्या होने वाला है, आपको क्या चाहिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यानी मैं जो इनपुट दूं आउटपुट उसका क्या हो जाए, इन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूं, अगर मैं अपने पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर लूं और जो अपना इनपुट है वो कहां दूं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, तो आउटपुट किस तरह से लिखा जाता है, आउटपुट जो हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू एडी, जो भी डिफरेंशियल गेन है, मल्टीप्लाई वी वन माइनस वी टू होता था। वी वन क्या होता था, आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट, वी टू होता था इन्वर्टिंग टर्मिनल का। वी वन की वैल्यू क्या है यहां, जीरो, यस और नो, तो वी आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस का एडी वी टू। क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, बहुत बढ़िया बात है, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब दिखाई दे गई। ठीक है, तो V आउटपुट इज व्हाट, माइनस का AD V2। अब मुझे पता AD आइडियली इन्फिनिटी होता है लेकिन एक्चुअल में तो इन्फिनिटी नहीं होता, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड फेज शिफ्ट दिखेगा। क्लियर है ये बात, मुझे पंजाबी नहीं आती भाई, थोड़ी बहुत आती है, इतनी ज्यादा नहीं आती, हाँ मतलब समझ लेता हूँ, बोलनी नहीं आती। इधर आ जाते हैं क्या, अब अगर आपको क्या चाहिए, नॉन इन्वर्टिंग, अगर नॉन इन्वर्टिंग चाहिए तो इनपुट कहां लगेगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, यस और नो, तो यहां तो आप लगा दीजिए अपना इनपुट और इसको कर दीजिए ग्राउंड। यहां क्या लगा दिया आपने, इनपुट, जो भी आपको लगाना था। ठीक है, तो क्या सेम वही कहानी दोबारा से गढ़ी जा सकती है, सेम कहानी दोबारा से बोली जा सकती है, सिर्फ क्या हो जाएगा, वी आउटपुट इज हियर इक्वल्स टू व्हाट, एडी V1 माइनस V2 फॉर श्योर, लेकिन इस बार क्या जीरो है, V2 जीरो है,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी, V आउटपुट इज इक्वल्स टू ए डी वी वन यानी V इनपुट, ठीक है। अच्छा डिफरेंशियल वाले में क्या सीन होगा जरा सोचो यार, मुझे बहुत अच्छे से पता है जो आउटपुट मिलता था वो किसकी वजह से मिलता था, डिफरेंस, वो कंपैरेटर है ना, तो दोनों बार हमेशा डिफरेंस ही तो देता था और डिफरेंस का मल्टीप्लाई करता था आपके गेन से, क्या ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो क्या मैं अगर मैं इसको भी इनपुट दे दूं और इसको भी इनपुट दे दूं, इसको दे दिया V2 और इसको दे दिया V1, तो मुझे पता है V आउटपुट इज इक्वल्स टू AD V1 माइनस V2, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, डिफरेंस की वजह से जो गेन होगा वो आउटपुट मिलेगा। अब जो ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, जो हल्का होगा वो हार जाएगा। यहां तक सब कुछ सही है, जल्दी से बताओ क्या तुम्हारी एनर्जी डाउन हो रही है, क्यों ये नंबर कम क्यों हो रहा है भाई, ये नंबर कम क्यों हो रहा है, जल्दी से बताओ, नंबर नहीं कम होना चाहिए, एक बार जल्दी से सब लोग एनर्जी बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़े, कुछ चीज़ें और करनी है उनको ख़त्म करते हैं, क्योंकि भाई ओपीएम बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो क्लासेस थोड़ी बड़ी हुआ करेंगी, ठीक है, क्लासेस थोड़ी बड़ी हुआ करेंगी, चलेगा। एक बार जल्दी से एनर्जी दिखा दो सब लोग, जल्दी से यस बोल दो सारे के सारे, जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब, और जो हमें पहली बार देख रहे हो लाइक, पसंद आए तो ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लें, अरे भाई ऐसे मत करो, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, अगर बेसिक मतलब ये है, जब भी आपके पास ओपन लूप है, मतलब आपने कोई इनपुट आउटपुट से कोई इनपुट फीडबैक नहीं करा, तब भी आप क्या कर सकते हो, मान लो आपके पास इनपुट में है 5 वोल्ट लेकिन आपको किसी सर्किट में माइनस 5 वोल्ट चाहिए, तो क्या करो, एक ओपैम लगा दो, एक साइड को पॉजिटिव करो, नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट डालो, आपके पास आउटपुट आ जाएगा, दैट टू कैसा एम्पलीफाइड, ठीक है। एक बात बताओ, जो आपके माइक्रो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स क्या करते हैं, एम्पलीफाई तो करते हैं सिग्नल को, साउंड सिग्नल को कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई तो कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें एम्पलीफाई होती है वो किसकी वजह से होती है, एम्पलीफायर्स की वजह से, ओपीएम इज अ एम्पलीफायर, ठीक है। जो भी चीज़ आप कोई भी सिग्नल एम्पलीफाई कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, ठीक है, फॉर श्योर, फॉर श्योर। एडी इज द डिफरेंशियल गेन, ठीक है, एडी इज द डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन क्या होता है, एडी इज इक्वल टू, अगर ओपीएम की बात करोगे आइडियल के लिए, ओपन लूप डिफरेंशियल गेन की अगर बात करोगे तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है आइडियली, लेकिन वैसे हमें पता है क्या होता है, रेंज 10 रेज टू पावर 5 से 10 रेज टू पावर 6 में, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ जाए, चलो यहां तक सब ठीक है, अब कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, नथिंग एल्स, उसके बाद हम बात करेंगे क्लोज्ड लूप का, आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे बस, ठीक है, कोशिश करेंगे कल, चलेगा। अरे भाई वो आउटपुट नहीं है, मान लो तुम्हारे पास आईसीज हैं, आईसीज में जो इनपुट होता है कितना होता है, जो भी आप वर्क करते हो डिजिटली एनालॉग में, जो आपके कंप्यूटर है, कभी फोड़ के देखो उन्हें क्या मिलेगा, छोटे छोटे छोटी छोटी आईसीज मिलती हैं, इसको आपने किससे लगा रखा है, छोटे 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 वोल्टेज सोर्सेज से, तो इनके अंदर जो इनपुट है वो क्या है, बहुत छोटा छोटा सा, लेकिन आपको गाने सुनने हैं बहुत तेज आवाज में, कैसे सुनोगे, कोई ना कोई एक डिवाइस होनी चाहिए ना जो चीज़ों को एम्पलीफाई करे, यस और नो। मैंने सुना है भाई, बहुत पुराना है लेकिन काफी बढ़िया है, चलो आ जाए गया। क्लास मुश्किल से मुश्किल मान लो 10-15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं चलने वाली, उसके बाद एक बार जल्दी से हम खत्म, या तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो, आ जाओ इधर, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, नथिंग एल्स, कुछ डेफिनेशंस है, धीरे धीरे आपके नोट्स में होनी चाहिए इसलिए करा रहा हूँ, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दूँ चलेगा क्या, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दूँ चलेगा क्या, हाँ जी चल जाए। यस पॉइंट पे आते हैं, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो वोल्टेज है जो आपको ओपीएम में लगानी पड़ती है सो दैट ओपीएम का आउटपुट जीरो आए, है ना मजे की बात,
इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो वोल्टेज है जो आपको ओपैम में लगानी पड़ती है सो दैट आउटपुट जीरो आए। मतलब क्या यार, एक बात देखो, अगर आपने कोई भी सर्किट जब हम ऑसिलेटर्स पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओपैम में क्या, आपने प्लस वीसीसी तो दे दिया, प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी आपने दे दिया है सर्किट को, लेकिन आपने कोई इनपुट नहीं लगाया है, तब भी आपके पास एक आउटपुट आ सकता है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि जब आपने प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी दिया है तो सर्किट आपके एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव सर्किट में बहुत माइन्यूट थर्मल वाइब्रेशंस हो सकती है, थर्मल नहीं कहना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत छोटे सिग्नल्स हो सकते हैं। ओपैम क्या करेगा, उन सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर देगा, उसका काम है एम्पलीफाई करना, तो वो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। अब उस आउटपुट को कैंसिल करा जाए, तो उस आउटपुट को कैंसिल करने के लिए आप लगाते हो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज, द वोल्टेज यू अप्लाई टू मेक वी आउटपुट जीरो। इतना लिख दूं चलेगा क्या, फुल डिटेल में तो और क्या ही लिखोगे, इससे ज्यादा और कुछ है भी नहीं। द वोल्टेज यू अप्लाई टू मेक द वी आउटपुट जीरो इज योर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। कहती सी बात क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट करंट क्या, दोबारा से आपके ओपैम में कुछ करंट अंदर भी जा रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपने कोई इनपुट नहीं लगा रखा, फिर भी अगर वीसेट और माइनस वीसेट लगा रखा है तो कुछ एक करंट अंदर जा रहा होगा। आइडियली ओपैम के अंदर कुछ करंट नहीं जाना चाहिए, आइडियली है ना, नहीं जाना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ओपैम के अंदर कोई करंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू क्या है, इनपुट ऑफसेट करंट इज नथिंग बट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू इनपुट्स। क्या बोला मैंने, एल्जेब्रिक डिफरेंस, नॉट सम डिफरेंस। मान लेते हैं ये वन है, इसके अंदर जा रहा है आई बी वन और यहां से बाहर आ रहा है आई बी टू, तो आई इनपुट ऑफसेट आई आई ओ इज इक्वल टू वॉट, ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द करंट फ्लोइंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड टू द सर्किट, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसके अंदर कोई करंट तो जाना नहीं चाहिए आइडियली। इसके बाद एक और चीज है इनपुट बायस करंट, और इसके बाद कुछ चीजें जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इनपुट बायस करंट, इसकी वैल्यू होती है आई बी, इट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ योर आई बी वन एंड आई बी टू, इन दोनों का जो भी इनपुट में आपके करंट जा रहे हैं उनका एवरेज ये होता है, ठीक है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब इसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो रजिस्टर के साथ तो हम लोगों ने बहुत खेल लिया, ठीक है। अब जब भी आप ओपैम के सर्किट पढ़ोगे तो दो चीजें आती हैं, नंबर वन इज योर कैपेसिटर एंड नंबर टू इज योर इंडक्टर, ठीक है। क्या है, इन दोनों चीजों को कैसे डील करना है ये समझ लो। सबसे पहला क्या है, कैपेसिटर, और यहां है आपके पास इंडक्टर। ऐसी तो दिखाते हैं दोनों को। अब देखो जब भी आपके पास कोई कैपेसिटर आएगा तो हर बार क्या करना है, हमने इस कैपेसिटर को चेंज कर लेना है एक रेजिस्टेंस से विद अ रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू व्हाट, जे ओमेगा सी, सॉरी वन अपॉन जे ओमेगा सी, सॉरी वन अपॉन जे ओमेगा सी। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सिग्नल, ठीक है। और जब भी आपके पास कोई, अच्छा सी क्या है, इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एंड एल इज द इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर, एक्स एल जिसको हम रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर में बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू जे ओमेगा एल। तो जब भी आपको सर्किट में कैपेसिटर या इंडक्टर मिलेगा, आप उस सर्किट में कैपेसिटर या इंडक्टर को उसके रेजिस्टेंस से चेंज कर दोगे। क्या बात समझ आ गई, नो सी इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पूरे के पूरे ओपैम में आफ्टर केसीएल,
KCL के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है, कैपेसिटर को ऐसे चेंज करना है और इंडक्टर को ऐसे चेंज करना है। अब मुझे एक बात समझ में आई, अब इसके बाद सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंसेज होंगे, हो सकता है कैपेसिटर भी सीरीज और पैरेलल में हो, मुझे पास एक रिजल्टेड वो आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा यार, लेकिन वो रेजिस्टेंस जो होगा वो आयोटा की टर्म में होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट भी होगा उस टर्म में, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा उसमें भी इमेजिनरी पार्ट होगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हाँ, तो बेसिकली क्या होगा कि उसमें भी एक इमेजिनरी पार्ट होगा। अब इस इमेजिनरी पार्ट्स की वजह से टोटल अपने को क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और फेज डिफरेंस क्या होगा आउटपुट और इनपुट में, जिसको हम बोलते हैं फेज ऑफ योर ओपम। ये दो चीजें हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, फॉर श्योर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कैपेसिटर को चेंज करना है इस चीज से, इंडक्टर को चेंज करना है इस चीज से, रिएक्टेंस के उसमें लिखना है, उसके बाद इसको ट्रीट करो एज अ रेजिस्टर बहुत आराम से। ये इसका रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर देता है, ये इसका रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर देता है। अब सीरीज पैरेलल जैसे भी लगा हो, लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्रीट करो एज अ रेजिस्टर और वैसे ही ट्रीट करके अपना आउटपुट निकालो। क्लियर है? आउटपुट निकालने के बाद अब जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, V output is equals to, मान लेते हैं जो आपका AD voltage gain क्या होगा, V output upon V input, मान लेते हैं कुछ इस तरह से होगा, A plus iota B, कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालना क्या बहुत बड़ी बात है, कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यस और नो? हाँ जी, चमक रही है ना बातें, नहीं चमक रही हो तो बताते रहना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं फेज क्या होगा। हाँ जी, अब मैं आपसे अगर पूछूं क्या बोल रहा हूं मैं, कि फेज क्या होगा, तो tan phi इज इक्वल्स टू, या फिर phi को अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा tan इनवर्स, phi इज इक्वल्स टू tan inverse b upon a, ये होगा फेज एंड ये होगा आउटपुट आपके गेन का। क्या बात समझ आ गई है? क्या बात समझ आ गई? हेलो जेवियर्स, गुड टू सी यू। यस, जे इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट को कैसे डील करना कॉम्प्लेक्स में, एक तो थोड़ा बहुत तो हमने सीख ही रखा है। हाँ जी, नंबर कम हो गए बच्चों के और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं पूछने वाला हूँ सरप्राइज क्वेश्चन। हाँ अच्छा, कभी कभार क्या होता है, कभी कभी जो आउटपुट आता है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं V आउटपुट अपॉन V इनपुट की जो वैल्यू है, इट टर्न्स आउट टू बी A प्लस आयोटा B एंड C प्लस आयोटा D। हाँ, कुछ अगर इस तरह की आपकी वैल्यू आ जाए तो इसका फेज जो होगा वो होगा tan इनवर्स B बाई A माइनस tan इनवर्स D बाई C। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपका आउटपुट आता है तो बच्चे फेज गलत कराते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे अच्छी बात है, लेकिन आपका फेज ये होना चाहिए। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई? दिस विल बी द फेज ऑफ योर आउटपुट, फेज ऑफ योर आउटपुट अपॉन इनपुट, बेसिकली आपके गेन का फेज ये होगा। ये गेन की बात हो रही है ना, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन की बात हो रही है, यस और नो? हेलो, तो कुछ नहीं करना आपको, बस लेक्चर फॉलो करना है। सारे लेक्चर आपको IFAS फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, एक पूरी की पूरी सीरीज है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स विद प्रशांत गुप्ता, सारे के सारे लेक्चर जो है वो उस पर है। अच्छा, ये तो AC की बात करी, अगर DC हो तो क्या करोगे? ये तो AC की बात करी ना, अगर DC हो तो क्या होगा? अगर DC है तो क्या होगा, AC की बात कर ली हमने। ठीक है, फॉर DC में बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तो दिस विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, चुपचाप उस कैपेसिटर को वहां से हटा दीजिए, दिस विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप तो रहेगा, यस और नो? पोटेंशियल ड्रॉप तो रहेगा, और इसको एक पोटेंशियल ड्रॉप VC से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, और अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में अगर मैं बोलूं फॉर डीसी, तो फॉर डीसी इंडक्टर किस तरह काम करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट,
एज अ शॉर्ट सर्किट, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो जीरो हो गया लेकिन करंट तो रहेगा। समझ आ गई। तो बेसिकली क्या होगा, अगर कैपेसिटर है डीसी की बात करोगे ओपन सर्किट कर दो, अगर इंडक्टर है डीसी की बात करोगे शॉर्ट सर्किट कर दो। ठीक है, क्या सही है? हेलो करण, क्या दिक्कत भाई? सही है। और ये होगा आपका फेज जब आपके पास एसी सिग्नल हो और आपसे पूछा जाए फेज क्या होगा। एक बार जो भी लोग चैनल पर नए हैं जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, अब यह है आपका सरप्राइज क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो तीन लोग इसका आंसर देंगे उनको मिलेगा चांस टू प्ले मेगा मेंटी क्विज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन दैट फॉर एन ओपैम द गेन इज 10^3, द स्लु रेट इज गिवन 1.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, इनपुट इज 5×10^-3 साइन ओमेगा टी, कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। जल्दी से बताइए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जो तीन लोग सबसे जल्दी जवाब देंगे उनको मिलेगा मौका टू प्ले द फाइनल मेंटी क्विज। जल्दी से बताओ। अरे करेंगे वो भी करेंगे, एक बार जब अच्छे से हम पूरा ओपीएम के क्वेश्चंस करेंगे तब वो भी करेंगे। आंसर बताइए सब लोग। फ्रीक्वेंसी है यूनिट हर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक है, हर्ट्ज किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज जो भी लिखो लिख देना, लेकिन लिखना उसी टर्म में। ठीक है, जल्दी से बताओ, कम ऑन बी क्विक, इतने सारे लोग देख रहे हो, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। टॉप थ्री को मौका मिलेगा टू प्ले द मेगा मेंटी क्विज फिनाले, जिसके विनर को मिलने वाला है फ्री कोर्स। सो बी क्विक एवरीवन। नहीं, नीट में ये सब कभी नहीं पूछा जाएगा, जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा, सो प्लीज डोंट वरी। पाई में आंसर दोगे क्या? पाई में आंसर मत दो, एग्जैक्ट डिजिट दो मुझे। ठीक है, डिजिट देना मुझे, पाई में आंसर मत देना, सब लोग पाई का मल्टीप्लाई कर लेना, प्लीज डोंट गिव आंसर इन पाई। लिख दूं क्या ऊपर? डोंट गिव आंसर इन पाई। आपको आवाज तो आई रही होगी मेरी। जल्दी सब लोग ट्राई करिए, सब लोग ट्राई, यूनिट्स देखते रहिएगा कि सब यूनिट्स किस तरह से कैसे प्ले कर रही है, उसके बाद आंसर दीजिए। सेम चीज मैं बता चुका हूं आज कि डिस्टॉर्शन कब होगा, डिस्टॉर्शन की हमने कंडीशन पढ़ी है आज, और मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, यस और नो। यूनिट्स याद रखिएगा आप सारे लोग, हमेशा यूनिट में डिस्टर्ब करते हैं, और जो आंसर पहले देते हैं अच्छा आंसर देते हैं, सही आंसर देते हैं, लेकिन उनकी यूनिट अलग होती है जिस वजह से वो जीत नहीं पाते। यूनिट का यह ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके, यूनिट्स का ध्यान रखिए सब लोग। तो मैंने आज ये पढ़ाया है आपको, ये सेम कंडीशन मैंने जो पढ़ाया है मैं वही तो पूछ रहा हूं, जो मैंने आज पढ़ाया है मैं वही तो पूछ रहा हूं। अब तो बताओ, क्या मैंने आपको आज ये नहीं बताया कि किस कंडीशन पर डिस्टॉर्शन होता है? बस आपको वैल्यूज ही तो पुट करनी है। ओके, कुछ आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन आप लोग यूनिट्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिना यूनिट्स के कोई मतलब नहीं है आंसर लिखने का, लास्ट में यूनिट लिखिए प्लीज। ओके, लास्ट में आप लोग यूनिट्स सही लिखिए, कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है लेकिन उनकी यूनिट्स गलत है, सो सैड टू सी, बहुत बुरा लगता है कि आपने मेहनत करी, आपने सब कुछ सही करा, लेकिन आपकी सो सैड टू सी। जल्दी से आप लोग यूनिट्स लिखिए, सही से लिखिए, आपके आंसर बहुतों के सही आ रहे हैं लेकिन यूनिट आप लोग गलत कर रहे हैं। हमें हमारा फर्स्ट विनर मिल चुका है, फर्स्ट विनर वी हैव गॉट, वी हैव गॉट अवर फर्स्ट विनर। सब लोग आंसर करिए, ओके, वी हैव गॉट अवर सेकंड विनर, लास्ट चांस
एंड वी हैव गॉट अवर थर्ड विनर ऑल्सो. ओके टाटा बाय बाय, गुड टू सी यू. वी हैव गॉट अवर थर्ड थ्री विनर्स फॉर टुडे एंड आई विल बी अनाउंसिंग द नेम. जस्ट मेरे को क्रॉस चेक करने दो कि उनसे पहले किसी ने बता तो नहीं दिया था. ओके बाकी लोग भी कमेंट में लिखते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आप लोग आंसर तो लिखिए कम से कम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके सो अवर फर्स्ट विनर इज सुमित टैक. सुमित तक है या टैक है आई डोंट नो. फर्स्ट विनर इज सुमित टैक, ठीक है, इन्होंने सबसे जल्दी जवाब दिया था, ठीक है. उसके बाद वी हैव उसके बाद वी हैव इन्होंने यूनिट लगाई थी, कहाँ गया नाम. यस अरे भाई रुको, कहाँ चला गया रुको भाई बता रहे हैं भाई रुको. यप उसके बाद है सिमरन नेहरा सेकंड. अच्छा ये नाम नहीं दिख रहा क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ सुमित टैक देन सिमरन नेहरा, ठीक है. तो ये हमारे दो विनर्स हैं. लास्ट का नाम और बता देता हूं मैं आपको. वन सेकेंड, कहां चला गया. सिमरन नेहरा हैव गॉट बहुत लोग बहुत पास थे. अच्छा एक्चुअली फर्स्ट इज सिमरन नेहरा, सेकंड इज सुमित टैक, ठीक है. फर्स्ट इज सिमरन नेहरा, सेकंड इज सुमित टैक एंड वेयर इज अवर थर्ड विनर. थर्ड विनर इज अरे भाई मैंने फोटो खींच रखा है, तुम टेंशन नहीं लो, मिल जाएगा. बहुत लोगों ने बहुत साथ सही सेम जवाब दिया. थर्ड इज 0.047 इष्ट सिंगमर. तो इष्ट दोबारा से जीत गए. सो दीज आर अवर थ्री विनर. नंबर वन इज सिमरन नेहरा, सेकंड इज सुमित टक एंड थर्ड इज इष्ट सिंगमर. ये तीनों लोग जल्दी से अपना IFS का यूजर नेम लिख दे यहां पर, या फिर क्या लिख सकते हैं अपना ईमेल अकाउंट, ठीक है. सुमित तक ने तो भाई ईमेल अकाउंट डाल भी दिया है और सुमित तक का ईमेल अकाउंट मैं लिख लेता हूं. बाकी लोग क्या क्या करना है, अपना यूजर नेम या तो IFS के साथ जो आपने लॉगिन कर रखा है वो, या फिर क्या ईमेल अकाउंट. तो आई हैव गॉट सुमित्स ईमेल अकाउंट, सिमरन एंड इश्त का तो मेरे पास पहले भी था लेकिन एक बार दोबारा डाल दो यार. सिमरन का भी ईमेल अकाउंट मिल चुका है, ओके, एंड इश्त का भी मिल चुका है, बहुत बढ़िया बात है. देखो सिमरन ने अपना यूजर नेम भी भेज दिया, बहुत बहुत बढ़िया. ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं आपको थोड़ा सा क्लोज लूप भी चालू करा देता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आज हम ओपन लूप तक गए हैं, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है. कल हम करेंगे क्लोज लूप के सारे क्वेश्चंस, और बेसिकली आज तुमने करना क्या है ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है और कल हम करेंगे इनके क्वेश्चंस, ठीक है. ऑल गुड. एक बार जल्दी से बता दूं क्या कॉन्टेस्ट कैसे खेलना है, क्योंकि बहुत से लोग जो कॉन्टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है. आज का कॉन्टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, टेक्निकल एरर. आज का कॉन्टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है. ऑल गुड भाई. आंसर हम एक्सप्लेन करते हैं संडे को, आपको पता नहीं है क्या. सारे कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. टेंशन नहीं लो, उस सेशन में भी तो आओ, क्योंकि उसमें आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, प्लस पॉइंट क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, सेकंड प्लस पॉइंट, ठीक है. आंसर मैं बता देता हूं. अच्छा आंसर नहीं बताया क्या मैंने. आंसर इज 47.7 किलोहर्ट्ज, ठीक है. कुछ लोग आंसर में इसके आगे मेगा लगा देते थे, कुछ लोग डायरेक्ट ही ऐसे मेगा जा रहे हैं,
द आंसर इज 47.7 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, इसने जो आंसर दिया वो उसने दिया पॉइंट्स में, लेकिन क्योंकि सही था तो सही था। लेकिन अब इसको आप मेगा में लिखो, इसी चीज को चेंज करो ना, आप जीरो में भी आंसर दे रहे हो तो फिर भी उसके आगे किलो लगा दे रहे हो, ऐसा तो मत करो। कंपैरेटर की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन एम्पलीफाई तो कर रहा है, वो दो इनपुट को कंपेयर कर रहा है, उसमें से जो बड़ी है उसको एम्पलीफाई कर देता है। गेन का तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो एम्पलीफिकेशन तो फॉर श्योर हो रहा है, बस वो चेक कर रहा है कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव को एम्पलीफाई करेगा, नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, क्या बात। चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। क्या मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डी वी आउटपुट डिवाइड बाय डी टी शुड ऑलवेज लेस देन टू द स्ल्यू रेट, यस और नो? और इसी चीज को हम क्या बोलते थे, ओमेगा वी एम इज ऑलवेज लेस देन टू द स्ल्यू रेट। अगर स्लू रेट की वैल्यू आपको गिवन है, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, वीएम आपको गिवन है, यस और नो? इनपुट पता है, गेन पता है, तो आउटपुट बता सकते हो, बस कहानी खत्म। ठीक है, बाकी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ऑल गुड। तो चलो एवरीवन, एक बार इस स्ट्रीम को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग नए हैं इसको अच्छे से शेयर कर दो, क्योंकि कल हम करने वाले, एक बार सबको बहुत अच्छे से बता देना कि कल हम करने वाले क्लोज लूप ओपैम बहुत अच्छे से, कल बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हर तरह का ओपैम को है हम करेंगे। ठीक है, यस ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार सबको ये लिंक जो कल के लेक्चर की है वो शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में दो लिंक्स हैं आपकी, फर्स्ट लिंक किस चीज की है, मेंटी क्विज जो होने वाला है 1 तारीख को रात को 8 बजे उसकी, और सेकंड है मेरे सेशन की जो आईटी जैम के बच्चों के लिए। अभी जितने भी लोग यहाँ हो, एक छोटा सा काम मेरे लिए करोगे क्या, जितने भी लोग यहाँ हो एक छोटा सा काम करो, अभी जाओ यूट्यूब पर, तो तुम हो ही, तो यूट्यूब पर तो हो तो तुम्हें जाना कहाँ है, IFS फिजिक्स पर जाना। तुम तो यूट्यूब पर हो ही, IFS फिजिक्स पर मुझे देख भी रहे हो। एक छोटा सा काम क्या करना है तुमने, ये जो आपको वीडियो दिखाई देगी ना, जो स्ट्रीम की लिंक आपको मिल जाएगी कहाँ, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पर IFS फिजिक्स डाल दूँ क्या, अरे भाई क्या कर रहे हो, IFS फिजिक्स ये जो आपको दिखाई देना, ये तो हम लाइव है, ये जितने नंबर यहाँ पर है ये सारे का सारा नंबर मुझे कहाँ चाहिए पता है, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे का सारा नंबर मुझे पता कहाँ चाहिए, ये सारे का सारा नंबर मुझे चाहिए इस मेगा मेंटी क्विज की लिंक पर। आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर को बढ़ा दो, यहां से जाओ सारे लोग, स्ट्रीम मैं क्लोज करने वाला हूँ, दिस इज ऑल फॉर टुडे, मैं लास्ट लाइन में बोल देता हूँ कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, अच्छे से सबको बता देना, ये लिंक शेयर कर देना नेक्स्ट लेक्चर की, कि कल हम करने वाले क्लोज्ड ओपैम, क्लोज्ड लूप ओपैम, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, आई लव फिजिक्स, ओके। और तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें जाना है यहाँ, सब के सब लोग ये स्ट्रीम कैंसिल करो, यहाँ पर जाओ और इस लाइक को बढ़ाओ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, मुझे ये लाइक लाइव से मल्टीप्लाई होते हुए दिखने चाहिए, क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे ये लाइक्स बढ़े नहीं है, तुमने बढ़ाए नहीं है, बढ़ा दो, देखो मुझे ये सेशन में ज्यादा से, मैं चाहता हूं, सुनो मेरी बात सुनो, मेरा मेन मोटिव क्या है, मैं तुमसे बार बार क्यों कह रहा हूं, मेन मोटिव क्या है, देखो हम फ्री में कोर्स दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उस बच्चे को जाए जो सच में डिजर्विंग है, जिसने सच में मेरी लाइव सेशंस लिए हैं, जिसने सच में कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन करे, जो सच में अच्छा परफॉर्म करेगा, उसे लिटरली उसको जरूरत हो और वो परफॉर्म करके दे हमें। फ्री में बांटने का क्या मतलब है, हर किसी को नहीं बांटा जाता, उसे बांटा जाता है जो डिजर्विंग है, जो मेहनत करना जानता है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये मेंटी क्विज खेलें, ज्यादा से ज्यादा बड़ा हमारे पास एक पूल हो, सो दैट एक अच्छा कंपटीशन हो और एक सही आदमी निकल के उस प्राइज को जीते, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाके ये लाइक्स बढ़ा दो, सारे के सारे लोग, ये सेट रिमाइंडर दिखाई दे रहा है ना, ये कर लेना, रिमाइंडर ऑन हो चुका है, ये सारे के सारे लोग जाके ये रिमाइंडर ऑन कर लेना, लाइक्स बढ़ा दो,
लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, IFS फिजिक्स तुमने टाइप करना है, उसके बाद जैसे मैं गया हूं वैसे ही तुम्हें भी मिल जाएगी वीडियोस में थोड़ा आगे जाके, ठीक है? जो स्केड्यूल्ड स्ट्रीम्स है उसमें थोड़ा आगे जाके एक तारीख की स्ट्रीम है। ऑल गुड, ऑल गुड।